गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। 2-3 मिनट में चालू करते हैं, रेडी हो जाओ। गुड आफ्टरनून सर। यस हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सबके? गुड। सरोज, क्या बात है, बहुत दिनों बाद कुछ कुछ बच्चों से मिल रहे हैं। अच्छा, तभी होंगे जिनका 2 बजे लेक्चर मैंने फिनिश किया, तो उसके लंच के बाद थोड़ा टाइम लग गया। तेज ऑल्सो, काफी दिनों बाद सार्थक ऑल्सो। ओके,
तो पहली बात, यार श्रेयस, बिल्कुल यार, आर दियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर जो ग्रुप में अभी तक ऐड ही नहीं हुए? दे गॉट द लिंक समहाउ हियर एंड देयर, बट दे हैव नॉट बीन एडेड आइदर टू द फर्स्ट ईयर ग्रुप और द सेकंड ईयर ग्रुप। आर देयर एनी स्टूडेंट्स लाइक दैट? हैव नॉट बीन एडेड टू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर? कितने बच्चे? ये सब क्या वो ऑन विजार्ड वाले बच्चे हैं क्या? मतलब रेचल और इनका तो पता है, बाकी सब? यस सर, यस सर, ओके, एनीवे यस सर। पहले तो समझा देता हूँ, देन आई विल आस्क यू अबाउट दिस। सबसे पहले तुम्हें ग्रुप के बारे में बता देता हूँ बच्चों। सबसे फर्स्ट चीज और बाकलीवाल के ग्रुप्स के बारे में ना, और बीटी ग्रुप्स। तो यस, वी हैव फॉर्म टू ग्रुप्स फॉर आरएमओ स्टडीज, आरएमओ लेक्चर्स। एक फर्स्ट ईयर ग्रुप है और एक सेकंड ईयर ग्रुप है। तो फर्स्ट ईयर ग्रुप में बिल्कुल स्टार्टिंग से थिंग्स पर पढ़ाई जाएगी। ऑब्वियसली हर चीज स्कोप कवर होगा, आरएमओ आईओक्यूएम का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, बट ऑब्वियसली टफ क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे क्योंकि दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन व्हाट इनिशियल कॉन्सेप्ट्स आल्सो। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अब क्वाड्रेटिक में वीएटस फॉर्मूला पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली जो बच्चे आर एक्सपेक्टेड कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, मोर लेस वो 9th 10th या 11th वाले हैं, थोड़े से 12th वाले नहीं है, तो वीएटस फॉर्मूलाज के लिए उनको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। सम ऑफ द रूट्स, क्यूबिक ऑफ द रूट्स, क्यूबिक के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट्स, वो बेसिक पढ़ा के फिर थोड़े क्वेश्चन करेंगे ओलम्पियाड्स और लेवल के। तो दिस थिंग्स विल बी कवर्ड फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, एंड देन द थिंग्स आर गोइंग टू बी बिल्ड अप। तो ऑब्वियसली उस सेंस में डिफिकल्टी एक लिमिट तक पहुंचेगी, यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि लेक्चर्स तो हम फिक्स टाइप का ले रहे हैं। कभी कभार डिमांड होगी तो सर एक्स्ट्रा लेक्चर भी ले लेंगे। वाइल सेकेंड ईयर ग्रुप में अब वही नंबर थ्योरी, वही ज्योमेट्री सब पढ़ाऊंगा, बट मोर लेस कुछ कुछ के बेसिक कंसेप्ट विच आई फील हर बच्चे को पता होना चाहिए। लाइक अब क्वाड्रेटिक का कोई सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट रूट्स तो ना पढ़ाऊंगा मैं सेकंड ईयर ग्रुप में, ना इधर क्यूबिक का वीएटएस फॉर्मूला का बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट भले लिखा दूंगा, बट इतना एलेबोरेट नहीं करूंगा प्रूफ एंड ऑल में। वो सबको आना चाहिए सेकंड ईयर में, अगर इफ यू आर विथ मी ऑन द सेकंड ईयर ग्रुप। तो ऑब्वियसली बेसिक्स थोड़ी कम पढ़ाई जाएगी। एवरी कंटेंट हेडिंग तो लिखाऊंगा, बट अगर मुझे लगता है कि उसका प्री रिक्विजिट कुछ है जो बच्चों को पता ही होता है, तो वो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू कवर। प्री रिक्विजिट इज नॉट गोइंग टू कवर, बेसिक इज गोइंग टू बी कवर्ड इन अ कैजुअल वे, आई कैन से लाइक दैट, एंड आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द गुड कंसेप्ट्स एंड बेटर प्रॉब्लम्स। क्या था क्लियर एवरीवन? और तुम्हें पता है अगर कुछ बच्चे मुझसे पढ़े हैं तो मुझे इंटरेक्शन बिल्कुल लगे रहना चाहिए, आइदर ऑन चैट और माइक, प्रेफरेबल चैट पे। ओके यस सर, अब सबकी दिल की ख्वाहिशें हैं, अब तुम सब थोड़ा पैनिक करना बंद करो। मैंने जैसे ही बताया 10 मैसेज मुझे पास आ गए, सर मैं फर्स्ट ईयर में, मुझे सेकंड ईयर चाहिए। हाँ बचका नहीं बरते हो। अभी पहले क्लियर करो थिंग्स, देन विल टॉक अबाउट हाउ टू चेंज, हाउ टू डू दैट, सब वी विल टॉक अबाउट एवरी ईच एंड एवरीथिंग। डू नॉट पैनिक, डू नॉट क्रिएट अ न्यूसेंस। इसलिए तो इंट्रोडक्शन लेक्चर रखा है, लास्ट ईयर तो हम रखते भी नहीं थे, बट दिस ईयर वी मेड दिस लेक्चर जस्ट टू गाइड यू प्रॉपरली। तो बी पेशेंट। तो इसमें अब जैसे एलजेब्रा तो मैं बहुत कैजुअल में कराऊंगा, डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड फर्स्ट लेक्चर से ही मैं थोड़ा सा आईओक्यूएम आरएमओ लेवल पे चले जाऊंगा, डायरेक्टली ऑफ थोड़ा सा कराऊंगा आगे के कॉन्सेप्ट्स। लेट्स से ज्योमेट्रिक वो आएगी, कॉम्बिनेट्रिक्स। कॉम्बिनेट्रिक्स में फर्स्ट ईयर बच्चों को तो सर फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग, एनपीआर, एनसीआर, वो भी थोड़ा बेसिक पढ़ा देंगे और फिर बिल्डअप करेंगे पिजन होल प्रिंसिपल एंड ऑल। वेल सेकेंड ईयर ग्रुप में मैं ऑब्वियसली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या एनसीआर एनपीआर ये कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। गैपिंग थोड़ा सा आइडिया देके वापस टफ क्वेश्चंस पे चले जाऊंगा और फिर पिजन होल प्रिंसिपल, कलरिंग, रेकरेंस, उन सब पे फोकस करूंगा। बेसिकली जो जेई लेक्चर में बच्चे आर सपोज टू नो, जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर के बच्चे आर सपोज टू नो, और आई कैन से 11th क्लास में जो जेई प्रिपेयर कर रहा है उस दे नो दैट कंसेप्ट, वो मैं बहुत ही कैजुअल वे में स्किप भी करा सकता हूँ। आई होप आई एम अगेन क्लियर। थर्ड पार्ट ऑफ आर एम ओ जैसे नंबर थ्योरी है, तो नंबर थ्योरी क्या जय लेक्चर्स में है ही नहीं,
नंबर थ्योरी पूरा आरएमओ में है, दैट इज नॉट इन जेई सिलेबस। तो उसका बेसिक्स ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे, सेकंड ईयर में मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली सेकंड ईयर के बच्चों को थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दूंगा, इजियर कंसेप्ट के क्वेश्चंस कम, डिफिकल्ट कंसेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा। वाइल फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली वो द सर विल बी फोकसिंग मोर ऑन द इनिशियल कंसेप्ट, क्योंकि नंबर थ्योरी तो वैसे भी जेई में नहीं है तो सबको ही पढ़ाना पड़ता है। बट यस, इन द सेकेंड ईयर ग्रुप देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स विद मी हु हैव प्रिपेयर्ड, हु हैव सीरियसली प्रिपेयर्ड फॉर आरएमओ इन द लास्ट ईयर ऑल्सो, तो ऑब्वियसली इसलिए मैं थोड़ा आगे के कंसेप्ट पे चले जाऊंगा। देन कम्स द लास्ट वॉट, ज्योमेट्री। तो अब ज्योमेट्री ऑब्वियसली अगेन जेई सिलेबस में नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भली है बट ज्योमेट्री इज नॉट देयर। बट ज्योमेट्री का जो बेसिक्स है, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी, वो हर बच्चे ने 9th एंड 10th क्लास में किया हुआ है, तो दैट इज द प्री रिक्वेस्ट वी एक्सपेक्ट फॉर फ्रॉम बोथ ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ग्रुप। बट सिंस फर्स्ट ईयर ग्रुप में हमारे पास वो बच्चे भी होंगे जो 8th क्लास के हैं, 9th क्लास के हैं, तो अगेन आई होप यू गॉट द मीनिंग कि वहां पे सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी को भी थोड़ा बेसिक ढंग से पढ़ाएंगे, एंड देन सर इज गोइंग टू बिल्ड अप अबाउट डिफरेंट मेनलॉज थ्योरम, सेवाज थ्योरम, ऑल दोस गुड कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईओक्यूएम। व्हाइल इन द सेकेंड ईयर आई विल नॉट बी फोकसिंग ऑन सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी डायरेक्टली पर से, मैं उनके क्वेश्चन मिक्स दे दूंगा डायरेक्टली दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, बेसिक भली हो सकता है बता दूं बट बेसिक इतना डेप्थ में कवर नहीं करूं। आई होप क्लियर है। एक्सक्यूज बीच हेलो, बीच में क्यों माइक ऑन कर रही है बच्चे, क्या बोलना है आपको, बोलो। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर? वो अभी आई है क्या? हेलो, ओला ओला, देखो सुनाई दे रहा है, मानस या मानसी जो भी आपका नाम है। हाँ, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। हाँ मैं गैस करूं तो तू मेरे ख्याल से 8th या 9th का बच्चा होगा। सर, 9th का हो। तो बच्चे क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा पेशेंस रख एंड डोंट बी लेट एंड लिसन टू द थिंग्स विच आई एम सेइंग। मैं वही तो सर, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चे, तो डोंट पैनिक। आई नो 8th क्लास के बच्चे, बट यू समझ ले मेरे में भी इतना पेशेंस नहीं है ना, तो थोड़ा सा आराम से सुनना यार, उसके बाद डाउट या रेज हैंड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। ओके, तो डोंट पैनिक यार, आराम से सुन, फिर मैं इस स्लाइड से आगे बढ़ने से पहले तेरे से पूछूंगा, वॉट एवर डाउट यू वॉन्ट टू आस्क आस्क, तब पूछ लेना। ओके मानस, ओके सर, आज तो मैं गुड फील कर रहा हूँ, मैंने बहुत पेशेंस दिखाया है, जो मुझे जानते हैं वो जानते होंगे, है ना। हाँ, नेक्स्ट चीज। हाँ, तो फर्स्ट ईयर ग्रुप में एक और डिफरेंस, फर्स्ट ईयर सर मतलब आई थिंक M4 सर पढ़ा रहे हैं, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मोस्ट प्रॉबली M4 सर पढ़ाएंगे और यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा M1 सर। ओके, बट ये डिफरेंस तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल इक्वल कंटेंट, इक्वली अच्छे कैलिबर लेवल पे हम सब पढ़ाएंगे, तो दैट्स ओके, दैट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। द थिंग्स यू शुड बी फोकसिंग ऑन इफ यू आर नॉट एट ऑल थोरो विद द आरएमओ और आईओक्यूएम कॉन्सेप्ट्स, तुम पहली बार, बिल्कुल पहली बार ही कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू शुड बी इन द फर्स्ट ईयर ग्रुप। इफ यू आर प्रिपेयर्ड और यू आर इन 12th क्लास और यू आर इन 11th क्लास बट थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड है, तो यू शुड बी इन सेकेंड ईयर ग्रुप। बट 11th क्लास के भी बच्चे हैं जो अभी 11th में जस्ट आए हैं, जैसे COM 26 वाले, तो अभी यार तुम समझो कि हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक्स आते हैं, एल्जेब्रा, कॉम्बिनेट्रिक्स, नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री, तो जेई सिलेबस का काफी पोर्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है कि तुम्हें पता हो तो फिर आगे बढ़ पाएंगे, लाइक एल्जेब्रा और कॉम्बिनेट्रिक्स में। बट यू कैन टेक सोलेस ऑन द फैक्ट कि हो सकता है हम अक्टूबर तक तो PNC बाइनोमियल 11th क्लास वालों का चालू कर देंगे, तो तब उस समय हो सकता है तुम कैचअप भी हो जाओ, बट देन दोज 11th क्लास स्टूडेंट से देर इज अ गुड जजमेंट दैट यू हैव टू डू कि वेदर यू शुड बी इन सेकेंड ईयर ग्रुप और फर्स्ट ईयर ग्रुप। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यस, हमने अपने हिसाब से क्लासीफाई करके आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड यू टू फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ग्रुप्स, बट डिपेंडिंग अपॉन स्पेशल सर्कमस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन कुछ गलत तरीके से ऐड नहीं हो गए हो, देन ओनली वी कैन कंसिडर योर रिक्वेस्ट टू शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर। अदरवाइज जो फर्स्ट ईयर में ऐड है वो फर्स्ट ईयर में ही रहो, जो सेकेंड ईयर में ऐड है वो सेकेंड ईयर में ही रहो। किसी किसी बच्चे को ऐड ही नहीं किया तो ऑब्वियसली उनके रिक्वेस्ट मैं लूंगा अभी। किसी बच्चे को हो सकता है गलती से वो उसने लास्ट ईयर आरएमओ क्लियर किया हुआ है बट वो फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्या गलती से हो जाता है ऐसा, तो दे कैन ऑब्वियसली सेंड अ रिक्वेस्ट एंड विल शिफ्ट देम टू सेकेंड ईयर ग्रुप। अदरवाइज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में वापस बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है,
फर्स्ट ईयर मीन्स बेसिक कंसेप्ट्स, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, सूटेबल फॉर 8th क्लास फाउंडेशन, 9th क्लास स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड 11th क्लास स्टूडेंट्स जिन्होंने आरएमओ कभी प्रिपेयर ही नहीं किया है, आरएमओ नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। दिस सूटेबल फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, 10th 11th, जो बच्चों ने जिन्होंने आईओकेएम थोड़ा बहुत कभी प्रिपेयर किया, थोड़ा भी किया है तो काम चल जाएगा, और स्टार मार्क जो बच्चे मेरे से नालायक कहलवाना चाहते हैं वो भी रह सकते हैं यहाँ पे। ओके, इस पेज में कोई डाउट? नो सर। सर व्हाट डिड यू से फॉर द स्टार सर मार्क? अरे स्टार मार्क मस्ती कर रहा था, कुछ नहीं है। हाँ रेयांश, सर सर तो मैं अभी शिफ्ट हुआ सर सेकंड ईयर पे सर सर लेकिन सर आई एम सर मैंने उतने अच्छे से मैंने आरएमओ के लिए प्रिपेयर नहीं किया था सर सर सो हाउ कैन आई शिफ्ट माय ग्रुप टू फर्स्ट ईयर? यू कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू द एडमिन, इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड और इफ दे डोंट शिफ्ट यू विद इन 2 or 3 days, देन यू विल सेंड रिस्पॉन्ड टू मी एंड आई विल मेक इट हैपन। यस आई विल गिव यू टेलीग्राम आईडी अभी थोड़ी देर में। ओके सर आई एम 9th सर दैट्स व्हाई सर ओके तनिषी, मैं अभी 10th में गई हूँ बट मैंने लास्ट ईयर एसकॉम किया था मैथ्स में तो मैंने अलजेब्रा और कोयम्बटूर सॉरी आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली वो पूरा कर लिया था 11th के साथ तो आई थिंक मैं कर सकती हूँ सेकंड ईयर से। then you are good enough for good enough for second year group. You should be in second year group. That is my advice. Okay. ओके सर यस सर थैंक यू सर क्षितिज, यस सर सो आई क्लियर सो आई गिव एंड क्लियर आई अरे कैन हाँ मैं अचीव तुझे जानता हूँ यार, तू वही ना एफबी वाला। हाँ यस सर एफ सी बैक टू आर्म या बट दे पुट मी इन ईयर वन ग्रुप फॉर सम रीजन हाँ तो यू कैन बी इन सेकंड ईयर ग्रुप नाउ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो आई जस्ट वांट टू आस्क हाउ टू रीड जस्ट द मेल विल बी सफिशिएंट राइट If they don't respond or by any chance they miss your mail by in 2 or 3 days, you let me know. I'll give your Telegram ID अभी थोड़ी देर में। श्योर सर सारस, हाँ सर तो मैं 11th में हूँ पर एनसीईआरटी का बुक से मैंने मैथ पूरा पढ़ लिया है सर वो 11th का कंप्लीट कर दिया है तो मैं ओके, गुड तो इनफ फॉर सेकंड। सर हाँ कर सकता है, मैं चेंज कैसे करूँ सर किससे बात करनी पड़ेगी? कॉइन टॉस करना, हेड्स आया तो अपना आप चेंज हो जाएगा, टेल्स आया तो नहीं होगा। अरे अभी तो बोला नालायक कि जस्ट सेंड अ मेल टू द एडमिन है ना, दे विल मेक इट हैपन। इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड और दे मिस योर मेल देन यू विल सेंड अ मैसेज टू मी। ओके सर ओके मानस, हेलो यस सर सर आई एम इन 9th सो विच सो कैन आई टेक सेकंड ईयर ग्रुप और फर्स्ट फर्स्ट ईयर, ओके फर्स्ट ईयर। सर सार्थक, सर आई एम बाय मिस्टेक इन बोथ ऑफ द ग्रुप्स सो आई वांट टू बी इन फर्स्ट ईयर सो लीव बोथ ग्रुप्स, मस्ती कर रहा हूँ। तू तो आई थिंक फाउंडेशन का बच्चा था ना, यस यस सर तो वही बच्चा है जो मुझसे इंटरेक्ट करता है कभी कभी चैट पे। तूने यस यस सर तो सर आरएमओ की एक्सप्लेन प्रिपरेशन की सर थी ना लास्ट ईयर मेरे साथ ही, तो नो सर लास्ट ईयर नहीं की थी सर मैं तुझे कैसे जानता हूँ? वो फाउंडेशन बेसिक में आप टीचर थे मेरे मैथ्स के अच्छा, अब तेरे को करना हो तो यू कैन डू योर विश, बट अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट ईयर में ही रहे। और अभी तो ओके सर थोड़ा सर सा 9th में ही है ना आई थिंक, और 10th, अभी 10th में आया हूँ आई थिंक यू शुड बी इन फर्स्ट ईयर बच्चे अभी। अरे ओके सर ओके अब सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल मत पूछो यार, टेक कॉमन एडवाइस जो भी मैंने दी है एंड डिसाइड, एंड देन स्टिल कंफ्यूज तो फिर पूछो, अदरवाइज ऐसा ही 100 बच्चों का मैं आंसर करने लग गया तो हो गया कल्याण मेरा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने अच्छी तरह बता दिया, इफ यू आर इन 8th 9th 10th यू शुड बी इन दिस, ओनली ओनली एक्सेप्शन इज तुमने आरएमओ की तैयारी लास्ट ईयर की है 8th 9th वाले बच्चों से, 8th 9th 10th वाले बच्चों से, तुम सेकेंड ईयर में तभी हो सकते हो ओनली इफ यू हैव प्रिपेयर्ड लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर फॉर आईओकेएम, देन ओनली यू शुड बी इन सेकेंड ईयर ग्रुप। 8th 9th 10th के बच्चों को बोल रहा हूँ, 11th वाले दे कैन बी इन आइदर ग्रुप इफ दे हैव लर्न अ लिटिल बिट अबाउट एलजेब्रा एंड कॉम्बिनेटरिक्स ऑफ 11th, दे कैन बी इन सेकेंड ईयर, अदरवाइज दे शुड ऑल्सो बी इन फर्स्ट ईयर। 12th वाले डेफिनेटली दे शुड बी इन सेकेंड ईयर ग्रुप, क्लियर?
सर मैं 11th में हूँ. लास्ट ईयर मैंने मैथ का एसकॉम किया था, सो कैन आई बी इन सेकंड? बिल्कुल बिल्कुल, यू शुड बी इन सेकंड ईयर. मानस हो गया ना तेरा? बोल. नो सर, आई वन मोर डाउट सर, आई डिडंट गेट एनी लिंक टू जॉइन दिस ग्रुप सो. मैं 5 सेकंड सोच रहा था, देखो सीरियस जवाब दो या मजाक करूं, बट सीरियस ही बोलना पड़ेगा. यस, तो तू ग्रुप में ऐड नहीं होगा बच्चे, तो यस वी विल ऐड यू इन द ग्रुप, बट फर्स्ट सेंड अ मेल टू द एडमिन फॉर दैट. इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड देन मैसेज मी, आई विल मेक यू ऐड इन दैट ग्रुप. ओके. ओके सर. सॉरी सर आई एम एक्चुअली फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एज मानस, सो कैन यू योर आईडी? सॉरी मंथ, क्या बोल रही है? सर मैं मानस की तरह सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मुझे भी लिंक नहीं मिला था, क्या आप अपना आईडी दे दोगे? सबके लिए बोल रहा हूं मैं. दोज हु डिडंट गेट द लिंक एंड दे आर स्टिल हियर, प्लीज अंडरस्टैंड, यस वी विल मेक यू ऐड इन द ग्रुप. तो फॉर दैट यू हैव टू सेंड अ मेल टू द एडमिन. प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज द प्रोसीजर है ना. एडमिन को एक मेल करो. अच्छा, एडमिन का मेल आईडी क्या होता है बच्चों? कोई बताओ यार मुझे. एनीबॉडी? एकेडमिक्स एट बाकलीवाल ट्यूटोरियल्स ओके, यही है क्या? एकेडमिक्स एट बाकलीवाल बाकलीवाल ट्यूटोरियल्स IIT.com आई थिंक. लेट मी जस्ट ट्यूटोरियल्स डॉट सर, कॉम बहुत यही है सारे बच्चों? मेल्स हैं, मेल आईडीज है बहुत सारे कोई भी एक बात बता दे यार जल्दी. सर. वो एस के बाद IIT स्मॉल लेटर्स में डॉट कॉम, सॉरी बच्चे, IIT वो ट्यूटोरियल्स है ना, तो उसके बाद IIT साथ में ही और बाद में डॉट कॉम. डॉट कॉम ना. या हाँ सर. और एक और बोल दो, एक और आईडी है तो. हेल्प डेस्क एट द रेट बाकलीवाल ट्यूटोरियल्स डॉट सॉरी कॉम प्लीज टेल अगेन. हेल्प डेस्क हेल्प डेस्क, एट द रेट बाकलीवाल ट्यूटोरियल्स IIT.com. हाँ, बाकलीवाल ट्यूटोरियल्स IIT.com. ओके, और एक और लिख दिया किसी ने, इन्फो, वेरी गुड सार्थक, एट द रेट बाकलीवाल ट्यूटोरियल्स IIT.com. तो फर्स्ट, इफ यू आर नॉट एडेड इन द ग्रुप, सेंड अ मेल टू देम. If still they don't respond or somehow they missed you after 3-4 days, after 2-3 days, so yes, you should wait. Then send me on the Telegram ID. M क्या मेरा क्या है भाई? Telegram ID at the rate Gaurav M1. तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, आई विल इन्फॉर्म देम, तो वो कर देंगे. बट पहले मुझे भेजोगे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज नॉट अ गुड प्रोसीजर, बिकॉज अदरवाइज आई विल गेट 200 रिक्वेस्ट. अभी सुबह सुबह लेक्चर के साथ साथ मैंने कितने 34 रिक्वेस्ट भेजी है. प्लीज अंडरस्टैंड, पहले मेल भेजो. अब कुछ काम का डाउट हो, अदरवाइज वी शुड मूव फ्रॉम दिस पेज. Yeah, अर्पण? यस सर, मैंने बस आधा एसकॉम करा था, तो मुझे किसमें होना चाहिए? बच्चे तू डिसाइड कर, तूने एलजेब्रा के बेसिक्स किए हैं, पीएनसी का बेसिक किया है, तो यू कैन बी इन सेकेंड ईयर. इफ नॉट देन यू ओके. शुड बी इन फर्स्ट ईयर. तो यू टेल मी, करा आपने? हाँ, ये दोनों कर रखे हैं. तो बस दैट विल बी इनफ. ओके ओके. यस, एनीबडी एल्स? हाँ नाउ सर, इज देयर एनी बुक प्रोवाइडेड बाय क्लासेस फॉर दिस IOQ एग्जाम? नहीं, मैं इस पेज के बाद लेक्चर बंद कर रहा हूँ, इसलिए फिर वो नहीं बताऊंगा. अरे अभी रुक जाना है, सिर्फ इस पेज का डाउट कुछ पूछना है तो पूछ, रेस्ट आई विल आंसर इन द कमिंग स्लाइड्स. और पहले ही बता रहा हूँ, मैं कभी कभार सरकास्टिक कमेंट कर देता हूँ, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, स्पेशली 8th तो 9th क्लास के बच्चे. ओके, ओके सर, एक बार 8th 9th 10th क्लास के बच्चे यस कर दो यार जल्दी से. ओके. ओके सर, हाँ यस सर, पर्सनल नहीं है, काफी इयर्स हो गए तो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया हूं मैं. इतना दे सकते हो ना? यस सर, यस श्लोक, यू कैन स्टिल बी इन सेकंड ईयर. आई डिडंट आस्क अबाउट मार्क्स कि तुम्हारे IOQM में लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. अगर तुमने बेसिक्स किया IOQM का, यू कैन बी इन सेकंड ईयर. ओके, बस लेक्चर अटेंड किए ये सोच लो ऐसे. ओके सर. चलो और बात करेंगे नेक्स्ट. ये भी बोल दिया मैंने कैसे प्रोसीजर से तुम्हें ऐड होना है.
ओके, बीटी ग्रुप्स के बारे में बता दिया, रिसोर्सेज और वो सब बात करूंगा, बट पहले आप थोड़े से आरएम और साइकिल की बात कर लेते हैं, फिर बाद में रिसोर्सेज की बात करेंगे। ओके, आरएमओ कौन सी एजेंसी कंडक्ट करती है एवरीवन? एनटीए, एनटीए, ओलंपियाड। एनटीए, क्या एनटीए, एचबीसी, एचबीसी, एनटीए करती है? एचबीसीएसई करती है, लिखा है क्या है? पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। आरएमओ से होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन कंडक्ट्स द मैथमेटिकल ओलंपिक प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स। स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, अब देख नहीं रही सर, है। अब देख हाँ सर, रही है। अब बता, दिख रही है ना? ये सर अब दिख हाँ रही सर, है। हाँ, तो कौन कंडक्ट करता है? एचबीसीएसई। ओके, उनकी वेबसाइट, वेबसाइट सब आई होप एक बार तो तुम्हें देखना ही चाहिए। क्या है वेबसाइट का एड्रेस रफली? MTAI ऐसे कुछ होता है, MTAI.org.in, MTAI.org.in। तो एक बार जाके देखो, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ तो क्या करोगे। चलो वो देख लेना, खुद ही अभी देखेंगे तो अपना कौन खोलेगा। ओके, देन नेक्स्ट, सबसे पहले कौन सा एग्जाम है? आरएमओ, राइट? नो सर, आईओक्यूएम, पीआरएमओ, आईओक्यूएम, आईओक्यूएम। अच्छा, प्री आरएमओ है या आईओक्यूएम नाम है? आईओक्यूएम पहले। अर्लियर इट वाज प्री आरएमओ, पहले प्री आरएमओ नाम देते थे बच्चों, वो मतलब यस यू कैन अंडरस्टैंड, वो प्री प्री आरएमओ अब आईओक्यूएम नाम हो चुका है, बट नाउ इट इज डिफाइंड लाइक आईओक्यूएम। इसका फुल फॉर्म इंडियन इंडियन ओलंपिक ओलंपियड क्वालिफाइड मैथमेटिक्स। इंडियन ओलंपिक, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। ओके, ये लास्ट ईयर का कंडक्ट हुआ था September 3 को। इस ईयर का कंडक्ट होगा अभी तक उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, बट मान के चलो फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर होंगे। 8 सेप्टेम्बर आ गई डेट? सर September 9, 8 September 9th है, 8th है, नाइन्थ चलो 8 सितंबर। हाँ 8 सितंबर मान लो। कितने आवर्स का एग्जाम होता है एवरीवन? 3 घंटे, 3 आवर्स, 3 आवर्स, कितना? थ्री 3 आवर्स आवर्स एग्जाम, बिल्कुल सही, 3 आवर्स एग्जाम। ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर? ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल, 1 to 100, न्यूमेरिकल टाइप। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किस कौन से इंटीजर्स के बीच में होते हैं? सिंगल, डबल डिजिट, 99, डबल डिजिट, ऑल आर डबल डिजिट, 0 से 99 आपको मार्क करना। इसमें कौन, चलो सिलेबस की बात तो बाद में करेंगे, और क्या क्वेरी आ सकती है तुम्हारी? हाँ, नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग। यूजुअल कट ऑफ क्या रहता है? क्वेश्चन यूजुअली कट ऑफ कितना, कितने 10%, 10%, 10, 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 10 टू 11, सबसे इम्पोर्टेंट, कितने क्वेश्चंस होते हैं बच्चों? 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस, 10 सेक्शन 1, 10 सेक्शन 2, 10 सेक्शन 3। फर्स्ट सेक्शन कैरीज हाउ मच टू मार्क्स? मार्क्स, टू मार्क्स, टू मार्क्स, मार्क्स ईच। सेकंड सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, थ्री सेक्शन कैरीज, फाइव। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100। यूजुअल ट्रेंड रहता है कि लास्ट ईयर जैसे सेक्शन ए वाले बच्चों कितना कट ऑफ रहा था? 17, आई थिंक 17 या 20 था। सेक्शन बी वालों का क्या? सेक्शन ए, सेक्शन बी अभी समझाता हूँ। लास्ट ईयर इज लाइक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ऐसा ही। हाँ, तो इट इज लाइक दैट ओनली, अभी समझाऊंगा, बट यस कट ऑफ यू मान के चलो 15 to 20 मार्क्स रहता है अभी। ओके, और सीट्स होती है कट, बहुत सारी चीजें होती है, अभी सब समझाऊंगा। पर रीजन सिलेक्शन होता है, इट इज नॉट लाइक ऑल इंडिया में तुम्हारी रैंक क्या रही उसके हिसाब से सिलेक्शन, नो, पर रीजन के हिसाब से सिलेक्शन होता है। एंड यूजुअली कट ऑफ, सोच लो कैसा टफ रहता होगा पेपर, कि कट ऑफ 17-20 मार्क्स ऐसा कट ऑफ रहता है, जस्ट थिंक लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट, आईओक्यूएम के बाद नेक्स्ट एग्जाम कौन सा आएगा बच्चों? रेमो, आरएमओ, आरएमओ, फुल फॉर्म रीजनल मैथमेटिकल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, कब होती है, कब कंडक्ट होता है? नवंबर,
October last week, 29th October. So last year, like 29th, I think I remember, 29th October को हुआ था, 1 to 4 PM ऐसा कुछ टाइम था. कितने आवर्स का एग्जाम होता है बच्चों? 3 hours. It is objective or subjective paper? Subjective. How many questions? Six. Six questions only. Only six questions. सोच लो 3 घंटे में 6 क्वेश्चन करने हैं. फोड़ी दोगे करेक्ट ना? बिल्कुल नहीं. हाँ नहीं, काफी टफ होता है. हर चीज सब्जेक्टिवली पूछते हैं. यूजुअली तुमने 2 क्वेश्चन के भी सही आंसर कर दिए तो यस यू गेट क्लियर. यस उनके स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं तो सब्जेक्टिव पेपर है. ऑल दोस थिंग्स आर देयर. तो काफी टफ एग्जाम रहता है बच्चों. इसके लिए काफी अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ता है, देन ओनली आर क्लियर. बट जस्ट अंडरस्टैंड द टाइमलाइन, 8 सितंबर 29th अक्टूबर. उसके लिए क्या अलग से प्रिपेयर करोगे या पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा? पहले से. It's not like you can prepare after IUPM, you clear it, you know. Syllabus is the same thing. Syllabus is not at all different. But yes, RMO ki tiyari toh saath mein hi karni chahiye. Am I clear yahan tak? Yes. Roughly yes. saying, roughly saying 6,000 students select hote hain RMO ke liye, roughly. Roughly, you know. Then RMO ke baad next exam? INMO. Next exam, INMO. उसके पहले RMOTC का कैंप होता है, बट वो ठीक है, कैंप होता है. उसके बारे में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे. इनमो का एग्जाम कौन सी डेट को होता है एवरीवन? रफली 3rd week of January. 21st जनवरी लास्ट ईयर आई थिंक इसी टाइम पे हुआ था. क्या टाइम, क्या कितने आवर्स का एग्जाम रहता है? 4.5 आवर्स, नॉट 3 आवर्स, 4.5 आवर्स. How many questions? Six questions. Each question carries 17 marks. Roughly 102 ka hota, I think so. Okay. Six questions. इस साल कट ऑफ बहुत हाई दिया था, यूजुअली कम जाता है, पर इस साल थोड़ा पेपर इन्होंने ईजी रखा और बच्चे भी कम सिलेक्ट करने हैं, मतलब उस सेंस में थोड़ा सा कट ऑफ अच्छा गया था इस बार, काफी गया था. कोई है हमारे पास आरएमओ क्लियर बच्चा? इनमो जिसने दिया था लास्ट ईयर, आज आज है हमें से प्रेजेंट? नहीं. लास्ट ईयर अपने कितने सिक्स कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे? एनीबॉडी रिमेंबर? 6 7 छह हुए थे पूरे महाराष्ट्र में. सिक्स स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे. हाँ 11 से 6 12 से नहीं, बहुत हुए थे याद नहीं. आई थिंक 13 6 6 तो सिर्फ कैटेगरी ए से हुए थे. 12 से आई थिंक फिर 7 और हुए थे, तो टोटल मिला के 12 या 13 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे. तो अच्छा खासा, काफी अच्छा रिजल्ट रहा था. ओके इनमो के बाद क्या होता है बच्चों नेक्स्ट? कैंप. कौन सा एग्जाम? IMOTC. डायरेक्टली IMO नहीं होता है, उसके पहले IMOTC का कैंप होता है. उस IMOTC कैंप होता है, उसमें तुम्हें पढ़ाते भी हैं एंड देन दे टेक टेस्ट आल्सो बेस्ड ऑन हाउ वेल यू परफॉर्म. यूजुअली ये होता है मई के मंथ में. एंड देन हाउ यू परफॉर्म देयर, उसके बेसिस पे ओनली लाइक 6 स्टूडेंट समटाइम्स 4 स्टूडेंट डिपेंड करता है वो कितने सेलेक्ट करते हैं. दे गेट सेलेक्ट फॉर प्री टीचर कैंप एंड देन दे गो फॉर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड फ्रॉम इंडिया साइड. इसी के बेसिस पे देन सम स्टूडेंट्स गेट सेलेक्टेड ऑन EGMO यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड, देन APMO ऑल्सो एशियन पैसिफिक मैथमेटिक्स ओलंपियाड. तो मतलब ये सब इंटरनेशनल ओलंपियाड्स है जिनके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं बाद में IMOTC के बेसिस पे. इनमो के बाद रफली सेइंग यस यू कैन से 60-70 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं IMOTC के लिए. RMO से 900 यूजुअली स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं इनमो के लिए. क्या यहां तक सब बेसिक्स क्लियर है एवरीवन? यस सर. सर हाउ मेनी पीपल अटेम्प्ट द IOQM एग्जाम? यार वो हर ईयर बहुत चेंज होता रहता है, दैट इज नॉट एट ऑल फिक्स. तो तू परसेंटेज तो वैसे भी निकाल मत यार, कोई मतलब नहीं सर. Anything you want to ask, raise hand and ask please. This page basis pe. Sir, RMO kitne? Yes, Saket. Sir, in RMO, steps ke marks milte hain kyunki subjective hai to. Milte hain, bilkul milte hain. Yes, milte hain bachche. Okay, sir. Kitne marks hota hai sir RMO? Vidhay? Yes, sir.
सर व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आईएनएमओ एंड आईएमओटीसी? सर तो आईएमओ को पेपर फॉर्मेट क्या रहता है? बच्चों मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशली 8, 9, 10 के फाउंडेशन बच्चों, कि तुम्हें ना रैंडम माइक ऑन करके नहीं पूछना अलाउड। यू कांट जस्ट स्विच ऑन योर माइक व्हेनेवर यू वांट एंड जस्ट कुछ भी बोल दिया, क्योंकि दूसरा बच्चा भी बोल रहा है। गिव रिस्पेक्ट टू हिम और आर आल्सो, हैंड रेज करो, आई विल आस्क यू व्हाट टू से, व्हेन टू आस्क, क्लियर इनफ? तो अपने हिसाब से नहीं पूछोगे। इनमो का फुल फॉर्म यू कैन गैस ना यार, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, क्या बचकाने क्वेश्चन पूछ रहे हो? आईएमओ का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, अब इसमें क्या पूछ रहे हो? टीसी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग कैंप। ओके यस श्रेयस सर, मतलब इसके जो मैथ्स रहते हैं ये जे एडवांस के लेवल में ले कैसे रहते हैं? अभी मैं वो सब बात करूंगा, कितना जेई से करेस्पॉन्स है, कितना सिलेबस उससे मैच करता है, किस लेवल का है, नेक्स्ट पेज। ओके बच्चे चलो नेक्स्ट। अब इसने पूछ लिया तो बात कर लेते हैं, जो बच्चों ने ओलंपियाड दिया लास्ट ईयर वो बताओ जेई का सिलेबस या जेई का लेवल इन कौन से एग्जाम से मैच करता है या इनसे भी नीचे? एनीबडी वांट्स टू शेयर? हां जेई का मेंस का लेवल तो ऑब्वियसली आईओकेएम से भी कम है, जेई एडवांस का लेवल भी आई कैन से आईओकेएम के कुछ क्वेश्चंस के बराबर है, कुछ क्वेश्चन से नीचे, कुछ क्वेश्चन से जेई के कुछ क्वेश्चन उससे ऊपर भी होते हैं। तो इट इज नॉट कि पैरेलली विद कि आईओकेएम से ऊपर है आईओकेएम से नीचे है, बट डेफिनेटली आरएमओ के नीचे। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस सर। और कुछ कुछ क्वेश्चन आईओकेएम के काफी अच्छे होते हैं, काफी टफ होते हैं, बट ओवरऑल सेंस में बोलूं तो यस, एक ही सेंटेंस मुझे अगर बोलना हो तो आईओकेएम के भी नीचे, बट आईओकेएम में अगर ढंग से पढ़ा हुआ हो तो मार्क्स के 2, 3, 5 में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो और कट ऑफ कितना कम होता है सोचो, तो क्लियर हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब एग्जाम तो क्या रिलेटिव एग्जाम है, वो कट ऑफ क्लियर हो गया तो इतनी रैंक वैंक मैटर नहीं करती, बट जेई में तो रैंक मैटर करती है, दैट्स व्हाई जेई अलग लेवल पे, ये अलग लेवल पे, प्लीज अंडरस्टैंड लाइक दैट। अब जेई में भी तुमने क्लियर कर दिया 15,000 रैंक के साथ, भले जेई का थपा हो गया बट 15,000 रैंक गुड थे ना, अंडरस्टूड? यस सर। बट आईओकेएम क्लियर कर दिया, भले तुम 6,000 बच्चे हो बट क्लियर कर दिया, तो क्लियर कर दिया, आरएमओ दे रहे हो, आरएमओ अगर तुम्हारा क्लियर हो गया 6,000 भले आईओकेएम पे थी तो सब मैटर वैसे ही नहीं करेगा, इट्स लाइक दैट। हाँ एनी अदर थिंग यहाँ पे होम सर? जो एमटीजी वो कंडक्ट करता है ना सर मैथ्स ओलंपियाड, वो कौन सा होता है सर? आईएमओ सॉरी एमटीजी, एमटीजी जो सर कंडक्ट करता है ना सर वो मैथ्स ओलंपियाड आईएमओ, वो कौन सा होता है सर? बच्चे तेरी वॉइस मेरे को क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, एमटीजी पूछ रहा है तू? तो एसओएफ पूछ रहा है, एसओएफ पूछ रहा है क्या? हाँ सर। वो अलग है, ये अलग है, अलग एजेंसी कंडक्ट करा रही है बच्चे, ये एजेंसी अलग है, एसओएफ ओलंपियाड्स अलग है, उनका लेवल है ऑब्वियसली, इनके लेवल में जमीन आसमान का डिफरेंस है, वो काफी इजी सेंस में होते हैं, वो भी रिपीटेड है बट दोज आर डिफरेंट, वो साइंस ओलंपियाड्स हैं, ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके चलो नेक्स्ट, जेई का लेवल भी बात कर लिया, ये भी बात कर लिया हमने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या Usually cutoffs की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो IOQM में अगर 10% marks है तो you will get what? क्या होता है? Certificate मिलता है। देखो इधर at least 10% marks है तो you will get the merit certificate। Okay? वो qualifying criteria नहीं है, वो बस एक सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा कि यू डिड गुड देयर। कट ऑफ तो हर साल वेरी करता है, उन्होंने फिक्स कर रखे हैं कितने रीजंस में ले रखे हैं। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चों, क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए, आईओकेएम से आरएमओ के लिए बता रहा हूँ ना। तो बेसिकली तुम सब बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक कैटेगरी ए एक कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में वो बच्चे आते हैं जो 8, 9, 11 में, प्रोवाइडेड उनके 10% कट ऑफ क्लियर हो गया, देन हर रीजन से रफली, क्योंकि हर रीजन में थोड़ा चेंज है फिगर्स,
टॉप 200 पर रीजन्स प्लस 5 एडिशनल गर्ल्स का कोटा है, दे गेट सिलेक्टेड फॉर आरएमओ एग्जाम। ये लास्ट ईयर का ट्रेंड था। वेल ट्वेल्थ में 10% होने चाहिए और टॉप 40 पर रीजन ओनली, नो गर्ल्स कोटा इन कैटेगरी ट्वेल्थ, दोज विल बी सिलेक्टेड फॉर आरएमओ एग्जाम्स। जैसे अपने महाराष्ट्र और या महाराष्ट्र में मुंबई का रीजन भी इन्होंने सेपरेट कर रखा, तो 31 रीजन है, 29 प्लस एक केवी का रीजन है, एक जवाहर विद्यालय है उनका रीजन है, मुंबई हमारा सेपरेट रीजन काउंट होता है, और एक महाराष्ट्र प्लस गोवा उनको एक रीजन मानते हैं एक्सक्लूडिंग मुंबई। क्या यहाँ तक क्लियर? Yes, अब बाकी एक बार वेबसाइट पे जाओ तो क्राइटेरिया और ये सब चीजें डिटेल्स है ना, मैं रफली यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ बट तुम्हें समझ में आएगा। वेबसाइट पे जाके पढ़ो एक बार पूरा ढंग से, इंटरेस्ट है तो पढ़ना चाहिए। देखो लिखा हुआ है सब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रीजन्स के बारे में समझा रखा है। जैसे अब कोई हो सकता है हमारे ऑनलाइन लेक्चर में आज बच्चा हो जो कहीं बाहर से शिफ्ट होके आया हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, क्या है, वो सब लिखा हुआ है वहां पे, तो आप प्लीज गो थ्रू इट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट। दे मेंशन ईच एंड एवरीथिंग जो आराम से आप पढ़ सकते हैं, एज क्या है, कोई बच्चा बोल सकता है सर मेरी एज के हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो यस इट मे बी दैट यू मे हैव टू रीड इट। अगर इनमो लास्ट ईयर किसी ने क्वालिफाई किया तो वो डायरेक्टली दे सकता है, वो सब भी क्राइटेरिया उन्होंने बता रखा है। आरएमओ से उसके बारे में इनमो क्या राष्ट्रीय फिगर रहते हैं बच्चों, एनी आइडिया? क्या इसमें भी कैटेगरी ए कैटेगरी बी है, यस नो? कम से कम ये यस यस इट इज देयर। देखो ये मैंने ऑल ऑफिशियल वेबसाइट से ली भी है तो जस्ट चेक इट। स्टूडेंट्स हु राइट आरएमओ विल हैव टू सिक्योर अ नॉन जीरो मार्क इन आरएमओ 2023, इट इज नॉट द सोल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। आरएमओ को भी वापस कैटेगरी ए कैटेगरी बी स्टूडेंट में डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी ए के टॉप 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सेलेक्ट फ्रॉम ईच रीजंस विल क्वालिफाई वगैरह वगैरह। देन कैटेगरी बी मतलब कौन से वाले बच्चों, 11 12th वाले सॉरी, उनमें से टॉप 6 स्टूडेंट्स ओनली विल क्वालिफाई फॉर एनमो, और 6 के लिए टाई वाई बोल रखा है। 5 एडिशनल गर्ल्स कोटा फ्रॉम कैटेगरी ए, देयर इज नो गर्ल्स कोटा फॉर कैटेगरी बी। कोई डाउट यहाँ तक? नो। हाँ श्रेय रही? हाँ सर, यहाँ लिखा है कि टॉप 30 क्वालिफाई होएगा और टाई होएगा तो क्या लास्ट ईयर के स्कोर से ये को होएगा, तो अगर लास्ट ईयर के दोनों दो बच्चों का टाई अरे हो गया लास्ट ईयर से नहीं होगा बच्चे, अरे अरे चुप तो रहे, लास्ट ईयर से नहीं होगा बच्चे, ये मैंने लास्ट ईयर का लिया है आरएमओ 2023 टू आईएनओ 2024, तो ऑब्वियसली वो आईओकेएम 2024 का लेंगे बच्चे। ओके यस हृदय, और विल द पेपर बी सेम फॉर ऑल ग्रेड्स? पेपर विल बी सेम, यस यस पेपर विल बी सेम फॉर बोथ द कैटेगरी। नो सर, फॉर ऑल द ग्रेड्स सर इन आरएमओ। ग्रेड्स मींस Sir, 9th, 10th, 11th. You tell me, category में कौन से grades के students हैं बच्चे? या बच्चे? 8th, 9th, 10th, 11th. तो बस हो गया ना? Okay, and category B is for 12th class students. Now all these will have the same paper. Okay sir, thank you. Yes. Okay. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। तो मेनली पूरा सिलेबस किस चार सेक्शंस में डिवाइडेड है एवरीवन? कम ऑन, अलजेब्रा, लेट्स से फिर वी विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेटरिक्स, देन ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी एंड लास्ट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पहले लिखता हूँ मैं जानबूझ के, नंबर थ्योरी लिखना चाहिए एंड ज्योमेट्री। श्रेयस हाथ नीचे कर दे नालायक, अभी अभी डाउट ले ही नहीं रहा हूँ। हाँ तो एलजेब्रा में और क्या क्या आता है, पॉलिनोमियल्स, मतलब रफली थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ बच्चों में ना, पूरा डिटेल में नहीं, रफली आइडिया दे रहा हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में सब पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स इज अ वेरी बिग वर्ड, क्या क्या पढ़ना है वो तो मैं जब लेक्चर में मैं
I'm going to start algebra, then I'm going to share the full details. Right now, just giving you a brief idea. Then sequence, SNS, थोड़ा सा फंक्शनल इक्वेशंस इसी कैटेगरी में मानते हैं यहाँ पे. ऑल्दो जेई सिलेबस में वी टॉक अबाउट फंक्शनल इक्वेशन कैलकुलस, हियर इट इज टॉक्ड अबाउट इन एलजेब्रा ओनली. देन इनइक्वालिटीज, वेरी बिग वर्ड, ऑल्दो आईक्यूएम में कम आता है, आरएमओ इनमो में बहुत ज्यादा आता है, बट इनइक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और क्या बच गया, बस हो गया रफली. कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं सिलेबस में बट कभी देते नहीं, तो अलग बात है. कॉम्बिनेट्रिक्स, कॉम्बिनेट्रिक्स में क्या क्या, अब ये तो नॉर्मल है, इसमें तो क्या बताऊँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फिजन होल प्रिंसिपल, कलरिंग, रेकरेंस, रेकरेंस रिलेशंस, ये सब थोड़ा इस कैटेगरी में आता है. नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी में बेसिक डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, भले बोलने के लिए हमें एचसीएफ तो आता है यार, वो अलग चीजें है, यहाँ की अलग चीजें हैं. और कॉन्ग्रुएंसी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. फिर थ्योरम्स हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, बहुत सारे एप्लीकेशन है. देन ज्योमेट्री में इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, देन पॉइंट ज्योमेट्री, मतलब ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री, तो स्ट्रेट लाइंस में आप सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के अलावा सारी बहुत सारी थ्योरम्स है बच्चों, मेनलॉस थ्योरम, सीवास थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, स्टीवर्ट्स थ्योरम, तो ये सब दुनिया भर की चीजें. देन सर्कल ज्योमेट्री, अब सर्कल की जो जो बचपन में भी थोड़ी थ्योरम्स पढ़ी है ऑब्वियसली, उनके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा, टॉलमेस थ्योरम, टेंजेंट्स के बारे में बेसिक चीजें, दीज ऑल आर ऑल द मेजर सिलेबस ऑफ आईओक्यूएम, आरएमओ एंड ऑल. इनका ऑफिशियली भी इन्होंने जो दे रखा है वो भी मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ बच्चों. In the official website, they have given the syllabus. At the same time, they have mentioned this is not explicit. ये incomplete है, इसके अलावा भी पूछ सकते हैं, and उसके हिसाब से उन्होंने recommended books भी बोल रखी है. देखो, algebra में they have mentioned this basic चीज़ें, recommended books बता रखी है. और तो कुछ recommended books बस Indian authors के हिसाब से हैं, otherwise बहुत basics भी हैं. Combinatrics, ज्योमेट्री, सॉरी पहले नंबर थ्योरी बताता हूँ. बुक्स के बारे में आई टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट पेज, सो डू नॉट आस्क मी एनीथिंग अबाउट बुक्स राइट नाउ. यहाँ तो बस उन्होंने जो भेजा है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको. नंबर थ्योरी, डिविजिबिलिटी, कॉन्ग्रुएंसी देख लो. देन ज्योमेट्रिक, I'm just pasting it so that later on you can see this notes. Yes, these notes recording again will be shared obviously. So I hope इससे थोड़ा basic idea हो गया. भले मैंने trigonometry का नाम नहीं लिया but geometry के बहुत सारे concepts में trigonometry use आएगा. And especially what solution of triangle वाली geometry जो अभी तक 11th class के बच्चों ने भी नहीं पढ़ा है. Sine rule, cosine rule, बहुत सारी उसमें theorems. पैडल ट्राइंगल्स, तो ये सब यहाँ पे पढ़ाऊंगा बट एट द सेम टाइम ज्योमेट्री यूज आएगा. सॉरी ज्योमेट्री क्या बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा पढ़ना है. सो दिस आर द मेन सेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि तुम जेई सिलेबस में क्या पढ़ रहे हो, स्पेशल कॉम्प में तुमने क्या पढ़ा है या फाउंडेशन में क्या पढ़ा है, तो रफली सबका आइडिया दे रहा हूँ. फिर आई शेयर यू कि किस तरीके से डिटेल्स और बात करनी है, क्या पढ़ना पड़ेगा. देन यू कैन डिसाइड कि लेक्चर से पहले पढ़ना पड़ेगा या लेक्चर के बाद पढ़ना पड़ेगा, कौन से रिसोर्स से पढ़ना पड़ेगा, क्या बुक से पढ़ना पड़ेगा, विल टॉक अबाउट इट. तो प्लीज बी पेशेंट. तो इफ आई टॉक अबाउट एलजेब्रा, एलजेब्रा का ये सारा सिलेबस जेई में, ऑल ऑफ यू एग्री, 12th क्लास के 11th क्लास के बच्चे, तो ये पूरा जेई का सिलेबस ही है. तो यू मान के चलो एलजेब्रा तो अगर तुमने जेई की तैयारी की है तो ये कवर्ड है. ओनली डिफरेंस इज यहाँ के क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के भी होते हैं. इजी वाले तो सेम ही हैं, थ्योरी इज सेम, बट कुछ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट द हैंग ऑफ इट. इट विल सीम टू बी कि वैसे जेई में नहीं पूछते थे बट यहाँ अलग टाइप के क्वेश्चन है. यस दे आर, जैसे एसएनएस अपन बोलते हैं बट जेई सिलेबस इज मेनली फोकसिंग ऑन व्हाट, एपी, जीपी, एचपी, टेलीस्कोपिंग एंड ऑल, बट यहाँ पे सिक्वेंस की बात बहुत ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू सी, मतलब प्रोग्रेशन एंड ऑल. कुछ भी रैंडम सिक्वेंस देते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, रिकर्शन आना चाहिए यहाँ पे, रिकर्शन इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़ाना है मुझे एसएनएस के साथ.
तो बेसिकली यहाँ पे ये सब चीजें एक्स्ट्रा है थोड़ी सी, तो यू कांट से कि 100% जेई सिलेबस है, बट 80-90% इज मैचिंग विद द जेई सिलेबस। कॉम्बिनेट्रिक्स, कॉम्बिनेट्रिक्स में हम सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन मैच करता है, वेल पीएचपी, कलरिंग, रेकरेंस, ये सब जेई सिलेबस में नहीं है, बट दीज आर इन ओलंपियाड सिलेबस, तो ये अलग से पढ़ना पड़ता है। नंबर थ्योरी कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ ओलंपियाड के लिए अलग से ही पढ़ना पड़ता है, इट इज एट ऑल न्यू। ये ऑब्वियसली 9th क्लास 10th क्लास में पहले हुआ करता था, बट यूजुअली अब एनसीईआरटी सीबीएसई सब ने इसको ऑमिट कर रखा है, तो इट इज नो वेयर इन द बेसिक स्कूल जॉब स्कूल क्लासेस ऑल्सो नाउ, सो दैट्स वाई स्टूडेंट स्ट्रगल इन नंबर थ्योरी ऑल्सो, और टफ लगता है बच्चों को, इसको अलग से थोड़ा सा टाइम देके इज्जतदार तरीके से पढ़ना है हमें। ज्योमेट्री, उसमें सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है, तुमने 8th 9th 10th क्लास में पढ़ी हो, एंड 8th 9th 10th क्लास स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लर्न मे बी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी थियोरम्स और ये सब है, ये जेई सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यस ये अलग से ही पढ़ना पड़ता है, तो यस यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। बट इसकी बहुत सारी चीजें जेई सिलेबस के क्वेश्चन में हेल्प बहुत करती है, विच जेई स्टूडेंट्स डू नॉट रियलाइज टिल दे लर्न दिस। यहाँ पे जैसे डिविजिबिलिटी कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी जेई सिलेबस पे नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंसी के सारे फंडे बाइनोमियल थ्योरम में बहुत काम आते हैं, तो यस यहाँ से पढ़ने के बाद बाइनोमियल थ्योरम और वहाँ जेई सिलेबस में भी बहुत हेल्प मिलती है, वो क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली जेई सिलेबस में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, बट दिस इज द मेन पोर्शन। तो अगर कोई पूछना भी चाहेगा जेई सिलेबस से अपना आईओक्यूएम साइकिल, आरएमओ साइकिल का कितना सिलेबस मैच करता है, तो आई कैन से ओनली 30% मैच करता है, 30%, 70% यहाँ पे नई चीजें भी मिलेगी आप। क्लियर यहाँ तक एवरीवन? क्लियर सर। चैट्स पे फटाफट यस चाहिए मुझे। सर एसएनएस क्या होता है? सीक्वेंस एंड सीरीज। सर क्या आप नीचे जा सकते हैं सर, नंबर थ्योरी? रियांश क्या बोल रहा है, नीचे जा सकता हूँ? अरे यार वो सब स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे बच्चे तेरे को, ये नोट्स में भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। अभी तो एक एक पॉइंट पढ़ने का ना तो देखो टाइम मिलेगा, ना पढ़ने का कोई लॉजिक है। तनीशी सर, फंक्शनल इक्वेशंस अलजेब्रा में वो रिलेशंस एंड फंक्शंस हुआ ना जे सिलेबस में? बट वो जे सिलेबस में बहुत एलिमेंट्री है, यहाँ पे बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, अगर इनमो में या आरएमओ में पूछते हैं तो काफी टफ क्वेश्चन होते हैं, जो जे सिलेबस में इट इज मेनली बेस्ड ऑन कैलकुलस, यहाँ पे कैलकुलस के अलावा वाली चीजें पूछी जाती है। आई होप क्लियर है यहाँ तक चीजें। फिफ्थ पॉइंट नाउ, एक कट ऑफ का भी पेज मुझे दिखा था लास्ट ईयर का, तो वो दिखा देता हूँ। ऐसा रहता है रफली पेज, दिख रहा है कट ऑफ पे आईओकेएम कट ऑफ की रीजन वाइज लिस्ट है, अपना कौन सा रीजन में आ रहा है बच्चों? बी। आई थिंक लास्ट ईयर है, लास्ट टू लास्ट ईयर का आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट मान के चलो वही है। तो ए कैटेगरी, ए स्टैंड्स फॉर अगेन व्हाट? 8 9 10 11 एजी स्टैंड्स फॉर गर्ल्स कैटेगरी, गर्ल्स इन, गर्ल्स इन कैटेगरी, गर्ल्स इन कैटेगरी ए, एंड बी स्टैंड्स फॉर 12th लास्ट स्टूडेंट्स, नो गर्ल्स सेपरेट कोटा। क्लियर लास्ट ईयर का ये? ओके, 12th इसमें तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कट ऑफ कितना अलग रहता है, देखो इधर जैसे अब यहाँ साउथ बिहार में यहाँ कट ऑफ बहुत कम है कैटेगरी बी में भी, तेलंगाना में अच्छा खासा कट ऑफ रहता है हमेशा, राजस्थान में अच्छा कट ऑफ रहता है, दिल्ली में अच्छा खासा कट ऑफ रहता है, तो डिफरेंस है ना, वो सब अब चलता रहता है, देश की कहानी है वो। अच्छा अब मार्क्स वाइज बात करो, आजकल किससे कट ऑफ, किस सेक्शन से ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट यू थिंक? आईओकेएम पेपर, मैं अभी सिर्फ आईओकेएम पेपर की बात कर रहा हूँ बच्चों, आरएमओ और उनके बाद में बात करेंगे। ज्योमेट्री
ऑब्वियसली एवरी ईयर इट कैन कीप ऑन चेंज, बट मेनली बच्चों एल्जेब्रा सबसे कम पूछा जाता है. ओके जैसे एक साल का मेरे पास कहीं एनालिसिस था आई थिंक. Let me see if I have that. जैसे ये IUQM 2022 का आई थिंक, IUQM 2022 का एनालिसिस. द फर्स्ट सेक्शन का रिस्पॉन्स फॉर नंबर थ्योरी से आया था, सेकंड एल्जेब्रा, ये तीसरा वाला है ज्योमेट्री, और ये है कॉम्बिनेट्रिक्स. ये था 2023 का भी एनालिसिस आई थिंक मैंने किया था. हाँ 2022, 2023 में नंबर थ्योरी से कितना आया था? 22 मार्क्स. एलजेब्रा गेस गेस 12 मार्क्स. 12 मार्क्स. ज्योमेट्री गेस 16 मार्क्स. एंड कॉम्बिनेट्रिक्स गेस 31, 50. अरे नालायक को प्लस तो करना आता है कार्टून. तो यस कॉम्बिनेट्रिक्स ज्योमेट्री यूजुअली हायर वेटेज रहता है, बाकी इधर उधर चेंज होते रहते हैं. जैसे ज्योमेट्री लास्ट ईयर कम आया बट यूजुअली आता भी है. लास्ट ईयर बच्चों याद है बहुत बच्चे खुश हुए थे ज्योमेट्री कम आया. है हमारे में आयो क्यों? हाँ सर. तो ज्योमेट्री कम आया तो बच्चे खुश थे लास्ट ईयर बहुत, बट टफनेस वैसे ही थी तो बराबर हो गया था. चलो आप प्रिपरेशन की बात करते हैं एवरीवन. तो मैं दोनों कैटेगरी के बच्चों से बात कर रहा हूं, तो नाउ पेशेंटली लिसन प्रिपरेशन वाइज. तो फर्स्ट अब मैं किस तरह से बात करूंगा, फर्स्ट ईयर के बच्चे और सेकंड ईयर के बच्चे. फर्स्ट ईयर इज सेम एज फॉर यू व्हाट कैटेगरी है, मान लो कैटेगरी है मान. तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को आइडियली प्लीज अंडरस्टैंड, सर जब भी लेक्चर लेंगे उससे पहले थोड़ा सा प्रीक्विजिट पढ़ लोगे तो अच्छी बात ही है. ये मेरी एडवाइस है. आई एम फोर सर बेटर एडवाइस देंगे तुम्हें हु इज गोइंग टू टेक योर लेक्चर्स. बट सबसे पहले तुम्हें करना चाहिए थोड़ा सा, जैसे एक जैसे डिपेंड करता है एल्जेब्रा है तो एल्जेब्रा मेनली अब ये 11th क्लास के पोर्शन है, थोड़ा सा बेसिक एनसीईआरटी या कोई बेसिक बुक किसी से भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, आरडी शर्मा 11th क्लास के उससे पढ़ सकते हो. बेसिक चीज है, बेसिक बोल रहा हूँ. डोंट पिक अप द जेई बुक्स क्योंकि वो तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंटली डिफिकल्ट रहेगी. गॉट माई पॉइंट एवरीवन? जेई बुक्स जैसे कोई भी बुक्स है सिंगेज या कोई इधर उधर की बुक्स, जेई सिलेबस की बुक्स तुम्हारे डिफिकल्ट रहेगी. तो एल्जेब्रा के लिए जैसे कोई भी आरडी शर्मा एनसीईआरटी उसका थोड़ा सा बेसिक देख सकते हो बिफोर द लेक्चर सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द लेक्चर. इवन दो दिस इज इफ यू डोंट डू इट दिस इज ऑप्शनल फॉर यू. लेक्चर में तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह समझ में आएगा, देन आफ्टर लेक्चर प्रैक्टिस करो. जो बीटी की मॉड्यूल है दैट विल शेयर विथ यू, बीटी की मॉड्यूल अबाउट आईओक्यूएम. उसके बाद सर कोई शीट दें तो वो करो. एक बुक हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा, एक अच्छी बुक हमेशा फॉलो करनी चाहिए. अब बुक के बारे में नेक्स्ट पेज में मैं बता दूंगा. एंड देन पीवाईक्यू पेपर्स करने चाहिए या आईओक्यूएम प्रिपरेशन. आरएमओ और उसकी कहानी बाद में हम करते जाएंगे. आरएमओ क्या? इनमो की. और आरएमओ की भी अगर मैं बोलूं तो चलो उसके साथ पीवाईक्यू के बाद तुम्हें फिर करना चाहिए कोई एक अच्छी चैलेंजिंग बुक. यहाँ पे इजी बुक की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एक चैलेंजिंग बुक. नाउ फॉर आरएमओ एंड देन आरएमओ के पीवाईक्यू और फिर इधर उधर के इंटरनेशनल के थोड़े से और डिफरेंट ओलम्पियाड्स के पेपर्स भी करो तो अच्छी बात है. डिफरेंट ओलम्पियाड्स पेपर्स लाइक अमेरिका का खुद का ओलम्पियाड होता है, सिंगापुर हर कंट्री का ओलम्पियाड्स होते हैं. तो सिंगापुर के ओलंपियाड के पेपर्स आईओक्यूएम से काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब काफी सेम क्वेश्चन इधर आ जाते हैं. एआईएमई के पेपर्स काफी आईओक्यूएम में क्वेश्चंस डायरेक्टली उसी से ले जाते हैं. तो वो सब थोड़ा प्रैक्टिस करो. ये सब फुल फॉर्म आप खुद देख सकते हो, एआईएमई ओलंपियाड्स, सिंगापुर ओलंपियाड्स, इन सब की प्रैक्टिस फॉर आरएम. आईओक्यूएम के लिए इतना नहीं चाहिए, आईओक्यूएम के लिए इतना काफी होता. बट फॉर सेक्शंस लाइक नंबर थ्योरी, अब नंबर थ्योरी के अंदर मैं तो एडवाइस करूंगा थोड़ा सा बेसिक नंबर थ्योरी का बेसिक कहीं से भी करके जाओ तो अच्छी बात है. वो ऑप्शनल नहीं, आई वुड रिकमेंड दैट.
कि कहीं से भी बेसिक करके जाओ। कहाँ से करोगे? कोई भी नंबर थ्योरी की कोई भी बुक पकड़ लो, अदरवाइज ये इजी बुक बोल रहा हूँ, तो थ्योरी करो, लेक्चर प्रिपेयर करो, बीटी के मॉडल। ज्योमेट्री का है तो अब 9th 10th क्लास की कोई भी ज्योमेट्री की बुक पकड़ लो, रिकमेंडेड है वो, थोड़ा सा पढ़ के जाओ बिफोर द लेक्चर ज्योमेट्री के लिए, एंड देन फॉलो द सेम साइकिल। कॉम्बिनेट्रिक्स जब चालू हो तो, अब कॉम्बिनेट्रिक्स तो यूजुअली 9th 10th क्लास के फाउंडेशन की बुक्स में भी हर जगह, लाइक बीटी की फाउंडेशन की बुक्स, उनसे पढ़ सकते हो क्योंकि वो काफी शॉर्ट में होगा और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही चाहिए, तो रिकमेंडेड है वो, थोड़ा सा पढ़ लेना एंड देन लेक्चर में जाओ एंड देन फॉलो द सेम साइकिल। बुक्स के बारे में आई टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट पेज। अभी मैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों की बात करता हूँ यार, ये बीटी की मॉड्यूल ये सब सर सही शेयर कर देंगे तुम्हारे पास, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ अक्षर पूछ, क्या पूछना है? हाँ तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, तो IOQM अभी 5 6 साल से ही हुआ है ना, पहले PRM नहीं, होता। 2012, 2012 से हुआ। ठीक है 10 साल, ठीक है, तो फिर PRM का पेपर्स कंपैरेटिवली इजियर हो जाएगा सेम वो ही IOQM। होते हैं कुछ। अच्छा तो IOQM की बात कर रहे हैं ना, प्री आर एमओ हाँ यस 2012 से चालू हो रहा, 2012 से, बट यस प्री आर एमओ का लेवल IOQM का लेवल लिटरली सेम होता है। ऑब्वियसली क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है, IOQM में 30 तो होते हैं, मतलब प्री आर एमओ प्रैक्टिस में कभी करने 12 जाए भी हुए तो हैं। PRM में कभी पेपर भी बच्चे उठा सकते हैं। बच्चे जब मैं पूछ रहा हूँ बीच में मत बोला, जब मैं बोल रहा हूँ तो लिसन, उसके बाद बोल सकता है। तो एज आई वॉज सेइंग कि यस में क्वेश्चंस की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है बट लेवल सेम होता है। तो तुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो मैं बुक्स बता रहा हूँ, या फिर इधर उधर से डिफरेंट बुक्स, या फिर कुछ ओलम्पियाड्स, डिफरेंट ओलम्पियाड्स के पेपर्स की प्रैक्टिस करो। ऑब्वियसली शीट्स जो सर देंगे उससे थोड़ा सा तो ज्यादा आइडिया होगा कि IOQM की बुक्स, सॉरी IOQM के क्वेश्चंस और कैसे किस टाइप के मिलेंगे। ओके थैंक विवान, सर। नंबर थ्योरी के लिए क्या करना चाहिए? नंबर थ्योरी, हाँ नंबर थ्योरी के लिए, अब जैसे क्या प्रॉब्लम क्या है, नंबर थ्योरी यूजुअली पहले 8 9 10 में हुआ करती थी, बट लास्ट 5 10 ईयर से उन्होंने हटा दी उससे, सब स्कूल्स वालों ने, CBSE ICSE, तो अब नाउ दिस नंबर थ्योरी इज नॉट इवन इन द बेसिक बुक्स ऑफ 9 10 क्लास आल्सो, नॉट इवन इन फाउंडेशन क्लासेस आल्सो, है ना। तो इसके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा डायरेक्टली सर का लेक्चर कर लो, या फिर थोड़ा सा जो बुक है अपनी IOQM की बुक्स उन्हीं से थोड़ा सा पढ़ के जाओ, लाइक CNT से या पाथ फाइंडर है, तो उनसे थोड़ा सा बेसिक, मैं अभी बुक्स के बारे में नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, तो उन बुक्स से बेसिकली थोड़ा सा पढ़ के जाओ एंड देन सर विल टेक केयर ऑफ द फैक्ट। ओके बट थैंक ये बुक्स मैं बोल चुका हूँ, ये सब बुक्स किसी और दूसरे सेक्शन के लिए इतनी जरूरी नहीं है तुम्हारी पढ़नी, सिर्फ नंबर थ्योरी में थोड़ा पढ़ लेना तो ठीक है, अदरवाइज लेक्चर भी अटेंड करोगे तो इट्स ओके। ऑल दीज आर ऑप्शनल चीज है, ये जो मैं प्री रिक्वेस्ट बता रहा हूँ ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट नेसेसरी। इफ यू आर अ गुड किड, इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड यू आर एस्पायरिंग हार्ड फॉर इट, यू कैन डू इट, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। विवान यस अच्छा, विवान ही था वो। ओके नेक्स्ट होम। सर, IOQM एंड PRMO में क्या डिफरेंस है? सेम, पहले अर्लियर इट यूज टू बी कॉल्ड प्री आर एमओ, नाउ इट इज IOQM। ओके सर। ओके सेकेंड ईयर बच्चों की बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ पढ़ेंगे, जो कैटेगरी बी है यूजुअली है 12th क्लास के, बट ऑब्वियसली इसमें कैटेगरी ए वाले भी बच्चे होंगे मेरे साथ कुछ, 11th वाले, या फिर जो IOQM की लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो दो स्टूडेंट्स ऑल्सो विल बी मोर एंड लेस विथ मी। तो उनके लिए क्या है, प्री रिक्विजिट देन लेक्चर्स देन शीट्स और सब बात करते हैं, देन बुक्स, PYQ, मोर बुक्स, मोर PYQ, एंड देन डिफरेंट ओलम्पियाड पेपर्स। प्लीज अंडरस्टैंड जेई में, तुम सब बच्चों को बता रहा हूँ, जेई में रिसोर्सेज आर एबंडेंटली रीचेबल, आई कैन से कि तुम आराम से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को ले सकते हो क्योंकि इतना कॉमर्शलाइज हो गया है, बट ओलम्पियाड अभी भी क्या है, इट इज रॉ मटेरियल, तो इसमें इतना मटेरियल तुम्हें नहीं मिलेगा, मटेरियल इज प्लेंटी बट तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कौन सा क्या करना है, एंड यू विल बी अननेसेसरी लॉस्ट क्या करना चाहिए।
कैन आई से 12th क्लास वाले बच्चे जो भी है यहाँ पे वो एग्री करेंगे कि पता ही नहीं चलता है कहाँ से क्या पढ़ना एक्स्ट्रा? यस सर, बट जेई सिलेबस में इट इज वेरी मच क्लियर. और क्यों इतना वो अब कॉमर्शलाइज हो गया, तो बुक्स ऐसी पब्लिश हो गई है विच आर बिल्कुल एक्सप्लिसिटली फॉर दैट. वो बुक्स भी इधर उधर से ही बनी है बट वो बिल्कुल एक्सप्लिसिट हो चुकी है, तो यू वुड नो कि क्या पढ़ना है. ये एच ए वर्मा फॉलो कर लो, सिंह एच फॉलो कर लो, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है. बट इन ओलम्पियाड्स थोड़ा सा वेग है और बहुत सारी बुक्स है उनका क्रंच लेके फिर हमें पढ़ाना पड़ता है या तुम्हें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है. बट प्लीज अंडरस्टैंड लाइक दिस, जब वो बच्चे इनमो का लेवल के प्रिपरेशन करेंगे, आरएमओ क्लियर करेंगे, उनके लिए उतना ही स्ट्रगल रहेगा. वो उनको वो उतनी फाइट मारनी पड़ेगी. टू गेट 10% यू हैव टू स्टडी 100%, तब जाके वो 10% काम की चीजें मिलेगी. वो ऐसा ही रहता है एंड इन दैट वे वी विल हेल्प यू. बट हमारे टाइट हैंड्स भी टाइट है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है जेई लेक्चर में द क्वेश्चन इज यूजुअली ऑफ 5 मिनट्स, सो आई कैन टेक अ 3 आवर लेक्चर एंड गिव यू प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस. बट इन आरएमओ इनमो एक क्वेश्चन ही मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा, तो अपने पूरी 3 घंटे की क्लास में दो ढाई दो या 3 क्वेश्चन ही होने वाले हैं. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एवरीवन? तो मैं कितने स्कोप के क्वेश्चन करा लूंगा? मैं ज्यादा स्कोप करा ही नहीं पाऊंगा. तो इट इज मोर अबाउट सेल्फ स्टडी इन जेई. इफ यू क्लियर जेई, एक अच्छे टीचर एक अच्छे इंस्टीट्यूट का रोल यू मान लो 40% रहता है. 60% इज योर रोल एंड 40% बीटी बीटी के टीचर्स का रोल है. बट इन ओलंपियाड्स आरएमओ इनमो हमारा रोल कितना है गेस करो? 10% 10%, 10 to 12% मान लो सच्ची में. दैट इज आवर बीटी या टीचर्स का रोल. बाकी 90% इज योर रोल. यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू सेल्फ स्टडी, क्योंकि वो एक कंसेप्ट को समझने के लिए. अब हमारे पास यू सोचो 8th क्लास का भी बच्चा है, 11th क्लास का, 12th क्लास का भी बच्चा है, तो मैं किसको किस हिसाब से टाइम दू? तो देयर कम्स अ डिफरेंस. देन एक बच्चा हो सकता है उसने कंसेप्ट पहले से पढ़ा हो, एक बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, देयर कम्स अ डिफरेंस. देन हो सकता है एक का एप्टीट्यूड ही अलग है, दूसरे का एप्टीट्यूड भी अलग है. जेई कॉमर्शलाइज हो चुका है, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ बैचेस टू सेपरेट डिफरेंट एप्टीट्यूड लेवल बच्चे, बट यहाँ पे सब एक साथ हो तो बहुत सारे हैंडीकैप्स आ जाते हैं सिचुएशंस. दैट्स व्हाई हमारा रोल कम है, तुम्हारा रोल ज्यादा है. तो अब सेकेंड ईयर की कहानी की बात करते हैं. लाइक फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एलजेब्रा. तो एलजेब्रा के अगर जो बच्चे मेरे साथ हैं उनकी प्रीरिक्विजिट कुछ नहीं है, नन, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइदर यू आर इन 12th तो एलजेब्रा का बेसिक सब आता है, और यू आर इन कैटेगरी ए बट तुमने पहले से पढ़ रखा है तो भी बेसिक आता है. तो मेरे साथ लेक्चर अटेंड करोगे ऑब्वियसली M1 सर के साथ. देन उसके पहले मैं फिर तुम्हें बीटी की मॉड्यूल एडवाइस करूंगा क्योंकि वो इजी लेवल की है. देन फिर मैं शीट दूंगा, एक इजी वाली शीट दूंगा शायद से, और एक टफ शीट भी दूंगा, तो दोनों तुम्हें करनी है. एंड देन मैं रिकमेंड करूंगा कि पैरेलली एज अ रेफरेंस बुक, नॉट एज अ क्वेश्चन बुक, रेफरेंस बुक कोई बुक करोगे वो बुक्स इन कैटेगरी. दूसरे बच्चों को भी एडवाइस करूंगा तो साथ में बता दूंगा. देन आईओक्यूएम के हमें पीवाईक्यू सारे करने हैं फिनिश बिल्कुल, और फिर चैलेंजिंग बुक के लिए भी बुक्स क्या है रिकमेंड कर दूंगा अभी. फिर पीवाईक्यू आरएमओ के लिए करना ही है, डिफरेंट ओलंपियाड्स के पेपर करना ही है. इफ यू टॉक अबाउट लाइक लेट्स से नाउ नंबर थ्योरी, तो यस आई वुड रिकमेंड प्री रिक्विजिट तुम्हारे लिए भी वही है जो इनके लिए था, कि सीएनटी चैलेंज एंड थ्रिल प्री कॉलेज मैथमेटिक्स या पाथफाइंडर से थोड़ा सा नंबर थ्योरी पढ़ के आओ बेसिक्स. अगर तुमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है तो वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर प्री रिक्विजिट नहीं है तुम्हारे लिए. डायरेक्टली फिर मेरे साथ लेक्चर अटेंड करोगे, बीटी के मॉड्यूल करोगे, शीट्स करोगे, बुक्स करोगे एंड द साइकिल गोज ऑन. थर्ड अगर कॉम्बिनेटरिक्स है तो कॉम्बिनेटरिक्स के लिए तुम्हारी रिकमेंडेशन तुम्हारे लिए भी वही है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स 11th वाले कैटेगरी ए वाले. कैटेगरी बी में आ गए अभी, 12th में आए हो तो तुम्हारा पीएमसी और ये सब तो हो गया है, तो दैट्स ओके. अदरवाइज जो अभी 11th में अभी है कॉम 26 वाले, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 9th एंड 10th क्लास की वही फाउंडेशन की बुक्स, उनसे पीएनसी बाइनोमियल बस प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत इनका बेसिक्स कर लेना, एक बार रीड करोगे तो ही समझ आ जाएगा, आई एम श्योर ऑफ इट. एसकॉम वाले उन्होंने अगर पीएनसी का लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है. इफ दे हैव नॉट अटेंडेड देन द सेम रिकमेंडेशन फॉर देम. मेरे साथ ये सब साइकिल तो सेम ही है. देन कॉम्बिनेटरिक्स के बाद क्या बच गया? ज्योमेट्री. यस ज्योमेट्री में आई वुड रिकमेंड अगेन थोड़ा सा 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी और उससे थोड़ा सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी रिवाइज कर लेना. 9th क्लास एनसीईआरटी बुक्स या आरडी शर्मा बुक्स, एमएल खन्ना बुक्स, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी सर्कल्स की बेसिक ज्योमेट्री
वो तो सर्कल की वैसे जरूरत नहीं है, 12th वालों को, 11th वालों को जरूरत है, क्योंकि 11th वालों का अभी सर्कल स्टार्ट नहीं होगा, एंड देन द सेम साइकिल गोज ऑन. बुक्स के अलावा एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क. यस तनिष जी. टॉपिक्स पूरा 11th वाला है ना, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है. नहीं, एज आई सेड, जेई सिलेबस में द सर्कल इज मेनली अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वाइल इन ओलंपियाड सर्कल इज मोर अबाउट ज्योमेट्री एंड वेरी लिटिल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सर ओके. और अलजेब्रा में भी जितने सब टॉपिक्स आपने बोले हैं बस उतने ही करने हैं ना फ्रॉम इट इज नॉट एट ऑल अ सफिशिएंट लिस्ट बच्ची. जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा देन आई विल शेयर स्मॉल स्मॉल डिटेल्स मोर, बट कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है. इवन द एचबीसीएसई वेबसाइट मेंशन दीज आर द मेन टॉपिक्स बट दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड द रिलेटेबल टॉपिक्स वी कैन इवन आस्क. और वो करते भी है, इधर उधर से क्वेश्चन इधर उधर देते हैं, विच इज कॉमन सेंस के क्वेश्चन बट नॉट रिलेटेड टू द सब टॉपिक्स दैट आई मेंशन. इम्पेशेंट कितने हो, मैंने अभी बोला बुक्स के बारे में, अभी मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ. सर कैन यू प्लीज टेल मी द बुक्स. अरे बुक्स के बारे में तो बता रहा हूँ, बुक्स एंड रिसोर्सेस. तो एज आई सेड बच्चों की जो मेरे साथ सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको रेफरेंस बुक की तरह यूज करनी बुक्स को, पहले बीटी की मॉड्यूल करनी है, फिर टफ शीट्स करोगे और जेई सिलेबस के साथ करोगे, तो मेरे ख्याल से आईओकेएम के लिए इतना तो सफिशिएंट है. बुक एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा. आई कैन से लाइक दैट, करोगे तो अच्छी बात ही है, वो आरएमओ के लिए भी तुम आगे प्रिपेयर कर रहे हो, बट सिंस जेई इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर यू, तो बीटी की मॉड्यूल करोगे जो मैं दूंगा, फिर ईजी और टफ शीट्स करोगे, आईओकेएम तो अच्छा खासा प्रिपेयर हो गया, आरएमओ के लिए फिर बुक्स मैं बताऊंगा ही. तो तुम्हारे लिए ये बोल रहा हूँ कि बेसिक लेवल की बुक इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इवन दो आई सजेस्ट. ओके सो सबसे पहले ये समझ लो बेसिक्स क्या होता है जो मैंने बता दिया, बट बिल्कुल एलिमेंट्री बुक अगर कभी लेना चाहो तो क्या ले सकते हो, जैसे पाथ फाइंडर है, एलिमेंट्री बुक की बात कर, पाथ फाइंडर बाय क्या नाम है उनका, प्रशांत जैन आई थिंक. यस, काफी एलिमेंट्री बुक है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल ना, बेसिक लेवल पे. देन थोड़ा सा लेवल बढ़ाया तो हम क्या बात करते हैं, पर बहुत सारी बुक्स हैं, सबका अलग अलग डेफिनेशन है, किसी बच्चे को कोई पसंद आती है, किसी बच्चे को कोई और टफ लगती है, तो वो वेरी करता रहता है बच्चों. लाइक मुझे जो अच्छी लगती है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बट अदरवाइज स्टूडेंट्स की कभी कभी प्रेफरेंस अलग हो जाती है. तो सीएनटी, सीएनटी स्टैंड फॉर चैलेंज इन थ्री प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ये काफी अच्छी बुक है, इसके क्वेश्चन सुपर्ब है, उसके सॉल्यूशंस नहीं है, नो सॉल्यूशंस आर गिवन, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसा लगता है बच्चों को कहां से करेंगे, बट अगर गूगल वूगल करोगे हमसे पूछोगे तो सॉल्यूशन तो हो ही जाते हैं, बट इसकी थ्योरी बेसिक में अच्छी है, ठीक है, अच्छी तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन सुपर, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, तो ये आर एम ओ तक के लेवल के लिए गुड बुक है. एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स, इसमें थ्योरी बिल्कुल ना के बराबर ही है, नो थ्योरी ऑलमोस्ट, बट इसके क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक लेवल के हैं और कंसाइज है, मतलब हर सेक्शन में 30-40-50 क्वेश्चन हैं, तो कम टाइम हो तो आई वुड रिकमेंड कि ये बुक करनी चाहिए, ताकि एक बार क्या अच्छा खासा ब्रश अप हो जाता है सिलेबस. तो ऑब्वियसली क्या जब बच्चे ओलंपियाड से प्रिपेयर करते हैं जेई के साथ साथ, तो दे डोंट गेट मच टाइम, तो फिर मैं ये बुक रिकमेंड करता हूँ, ये कर लो तो क्या फटाफट एक बार रिविजन हो जाता है, क्वेश्चन कंसाइज है विथ सोल्यूशन है, तो फटाफट हो जाता है. प्रॉब्लम प्राइमर, अभी ये एक्स्ट्रा बुक्स हैं थोड़ी बता रहा हूँ, प्रॉब्लम प्राइमर है, और क्या है इसी लेवल की बुक्स, मैथमेटिकल सर्कल वेरी गुड बुक, बट मैथमेटिकल सर्कल आई वुड रिकमेंड टू दो स्टूडेंट्स हु हैव टाइम एंड दोस हु आर लाइक 8-9 क्लास के बच्चे, कैटेगरी ए के बच्चों के लिए. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली फॉर आईओकेएम आरएमओ, बट दिस इज टू रेज योर क्यूरियोसिटी अबाउट ओलंपियाड्स, पजल्स को सॉल्व करना सिखाता है, बहुत अच्छी बुक है, बट इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली फॉर आईओकेएम आरएमओ. ये अप्रिशिएट करते हैं वो बच्चे जो पहली बार ओलंपियाड का टेस्ट लेना चाहते हैं, जो 8-9 में दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, जो पजल से पजल्स लव करते हैं उनको ये पहले सॉल्व करनी चाहिए मैथमेटिकल सर्कल्स. ओके, वो सब और बहुत सारी बुक्स हैं बच्चे. देन ये सब आपके आईओकेएम लेवल की बुक्स बता रहा हूँ, ये आईओकेएम लेवल्स की सब.
देन कम्स पाथफाइंडर, पियर्सन, क्या नाम है उनके ऑथर का तो मुझे याद नहीं है, पियर्सन पब्लिकेशन या क्या नाम है बच्चों उसका, एस तिवारी सिंह नहीं नहीं जी देशन, देशन शीशान, शीशान समथिंग नाम है, वी शीशान, यस वी शीशान, हाँ तो वी शीशान, ये काफी अच्छी बुक है, आरएमओ तक के लेवल के लिए मस्त बुक है, बिल्कुल थ्योरी भी अच्छी है, थ्योरी भी डेप्थ में अच्छी खासी गुड थ्योरी, सुपर प्रॉब्लम्स बट एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, नो सॉल्यूशंस, बट मार्केट में सब अवेलेबल है, गूगल वूगल करोगे तो मिल जाते हैं, एज इन कलेक्शन की तरह नहीं मिलेंगे बट क्वेश्चन के सॉल्यूशन सब मैनेज हो जाते हैं, तो सुपर बुक है ये भी। और क्या फिर एनमो लेवल की बुक्स तो बाद में मैं रिकमेंड कर दूंगा, बताओ जस्ट अ सेकेंड, हाँ कुछ कुछ सेक्शन की बुक्स बहुत अच्छी है, जैसे कुछ कुछ पार्टिकुलर सेक्शन, जैसे नंबर थ्योरी के लिए इवन इफ योर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, कौन सी डी बटन क्या नाम है उसका, नाम ही भूल जाता हूँ कभी कभार, मैं मेमोरी मेरी बहुत वीक हो चुकी है, डेविड बटन, डेविड बटन की बुक बहुत अच्छी बुक है, तो ये तो हर बच्चे को नंबर थ्योरी के लिए स्पेशली करनी ही चाहिए, ज्योमेट्री के लिए यूक्लिडियन मतलब चैंग चैन क्या नाम है, चैंग वैंग कुछ नाम है उसकी बुक, तो इनमो लेवल के लिए करेंगे, वो तो बहुत अच्छी बुक है, और टी टूज ना ये सब बुक इनमो लेवल के लिए, पीएसएस आर्थर एंजल की बुक्स, ये सब आर्थर एंजल टी टूज ये सब इनमो लेवल की है ना, आरएमओ तक के लिए यहाँ फिर ओके, फिर इनमो लेवल की बुक्स तो बहुत डिफरेंट है, वो सब आर्थर एंजल आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आरएमओ लेवल की मान सकते हो, एफजीएच एओपीएस आर्थर एंजल टीटूज बुक्स ये सब इनमो लेवल के लिए, अपने इंडियन ऑथर बीजे वेंकटाचार्य की इनइक्वालिटीज फंक्शनल इक्वेशन वो भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, बट अगेन वो इनमो लेवल के लिए या आरएमओ से जस्ट ऊपर लेवल के लिए, तो बेसिक ये बुक्स इनफ रहेगी, तो अगर अब इसको समराइज करूं मैं, अगर तुम कैटेगरी ए में हो तो बुक रेफरेंस के लिए अगर एक बुक रिकमेंड करनी है तो सीएनटी यूज कर सकते हो, टफ बुक कभी चाहिए क्वेश्चंस के लिए तो सीएनटी यूज करो मेरी एडवाइस है, बाकी एम फोर सर से पूछना और डेफ में क्या बोलेंगे वो, कैटेगरी बी वाले बच्चों के लिए सीएनटी यूज करो बेसिक के लिए, फिर मैं शीट्स दूंगा तो ये टफ वाली वो करना, फिर एक्स्ट्रा अगर थोड़ा और लेवल बढ़ाना हो तो पाथ फाइंडर करना पियर्सन वाली विशेषण, फिर आरएमओ क्लियर करोगे इनमो के लिए तो फिर वो अलग बात करेंगे, डेविड बटन तो तुम्हें करनी ही करनी है, एंड वापस समराइज कर रहा हूँ आईओक्यूएम के लिए क्या बताया मैंने एवरीवन, आईओक्यूएम के लिए बीटी की करोगे सर कुछ अगर शीट दें और पीवाईक्यू करोगे, ये भी बहुत है थोड़ी एक इजी बुक, एक बुक तो करना ही चाहिए मेरी एडवाइस है, ये आईओक्यूएम के लिए इनफ है, आरएमओ के लिए यस एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, थ्योरी रिमेन सेम फिर तो क्या प्रॉब्लम्स ही करोगे, बट पैरेलली करना एडवाइजेबल रहेगा, आईओक्यूएम के बाद एक डेढ़ महीने मिलता है यू विल नॉट बी एबल टू डू, इसलिए बोल रहा हूँ एक चैलेंजिंग बुक और फिर पी वाई क्यू कर सकते हो उसके लिए, पी वाई क्यू यू कैन डिले आफ्टर आई क्यू बट ये बुक तो पैरेलली करनी चाहिए, दैट इज माय रिकमेंडेशन, मोर यू शुड आस्क एम फोर सर हु इज गोइंग टू टीच यू, फॉर कैटेगरी बी स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए अब आई क्यू एम का टारगेट ही थोड़ा अलग हो गया है, तुम्हें शीट्स तो करनी है बी टी के मॉड्यूल तो करनी है, जो बच्चे लास्ट ईयर नहीं करी जिन्होंने कर ली फिर उनकी तो बी टी मॉड्यूल हो चुकी है तो वो शीट्स करेंगे, इस बार मैं नई शीट्स दूंगा ऑब्वियसली थोड़ी, और फिर सी एन टी पियर्सन ये दो बुक करनी है, कोशिश करना है कि इतना पहले आईओक्यूएम से पहले कोशिश करो कैटेगरी बी वाले, फिर आरएमओ के लिए हम स्पेशली क्या करेंगे बहुत सारे पीवाईक्यू करेंगे आरएमओ के करेंगे, इधर उधर की शीट्स दूंगा मैं तुम्हें, अब तो थोड़ा सा फिर हम पीएसएस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एओपीएस बुक ये थोड़ा सा और करेंगे आरएमओ के, फिर इनमो के लिए अलग एडवाइस रहेगी, बाकी अब तुम पूछोगे पी वाई क्यू कहाँ से मिलना है यार ये सब नहीं सर, ये बुक्स का क्या सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है सर, ये सॉफ्ट कॉपी की इलीगल कॉपीज मिल जाती है, अब ये क्वेश्चन यार ये सब मेरे से मत पूछो, तुम्हें कैसे नहीं रोज ये बुक्स ढूंढनी है वो तुम्हारा काम है,
और अदरवाइज मैं तो यही बोलूंगा अमेजोन पे सब अवेलेबल, यू कैन परचेज इट. उसके अलावा वॉट एवर हुक एंड क्रुक यू वॉन्ट टू डू यू डू इट, दैट इज नॉट माई रिकमेंडेशन. तो ऑब्वियसली बुक्स महंगी एक्सपेंसिव सब है, तो यू फाइंड अ वे, अदरवाइज हम मैनेज तो करेंगे. इवान चैन की बुक मैं बता चुका हूँ बच्चे, वो थोड़ा तो अच्छा लेवल है, तो आरएमओ या आरएमओ के ऊपर के लिए बीटी मॉड्यूल्स जो भी होगी वो हम आपको लेक्चर में हर लेक्चर के बाद देंगे. जैसे अलजेब्रा पढ़ाएंगे, उसके बाद अलजेब्रा की जो मॉड्यूल होगी वो सॉफ्ट कॉपी भी देंगे ग्रुप तक. एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, रेज हैंड. हाँ सर, जो आप शेयर्स दोगे वो इजी और हार्ड दोनों टाइप के दोगे ना? यस यस ओके. और कुछ पूछना है? मेरे ओपिनियन के हिसाब से भी मैंने एक बार तुम्हें थोड़ा सॉर्ट करके वापस चीजें बता देता हूँ. एक किसी लास्ट ईयर या किसी में मैंने बताया था, तुम यू कैन सी दिस ऑल्सो. अब हर साल थोड़ा सा कभी डिफरेंट हो ही जाता है. तो माई ओपिनियन, अगर कोई इतने लेक्चर्स भी नहीं कर रहा हो तो भी यस दे कैन प्रिपेयर, तो फर्स्ट उनको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी स्कूल बुक्स फाउंडेशन बुक्स उससे करना चाहिए. देन सेकेंड मैथमेटिकल सर्कल्स रशियन एक्सपीरियंस, उसकी बुक्स की प्रॉब्लम्स काफी अच्छे पजल्स फॉर्म में है. So that you can do, na? If you are 9th class, 8th class, 10th class students, that if you are doing RMO preparation for the first time, you have plenty of time. Excursion in mathematics, great professors ne likhi hai. Bilkul acha theory hai. Uska acha taste deta hai. NMO, RMO ke liye bhi kya hoga. Solutions bhi hai. So in that way, it is very handy. Good for starting for Olympiads and for short revision for IUPM. फिर प्रॉब्लम प्राइमर है कि हर चैप्टर की सिर्फ 40-50 प्रॉब्लम्स है, तो वापस अच्छा रिवीजन हो जाता है विद सॉल्यूशंस फॉर आईक्यूएम लेवल. देन सीएनटी बुक आ जाती है, गुड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग टिल आरएमओ. कोई सॉल्यूशंस नहीं है, ओनली आंसर्स हैं. ओके, गुड थ्योरी फॉर ज्योमेट्री ऑल्सो. राइट, सेक्शन थ्योरी थोड़ी ऑर्डिनरी है बट ठीक है, चलेगी. सम्स बहुत अच्छे हैं. एक ये भी बुक अच्छी है बट ये बाद में रिकमेंड करूंगा, अवनीश सक्सेना की बुक. फिर पाथ फाइंडर काफी अच्छी बुक है, थ्योरी वाइज भी एंड क्वेश्चन वाइज भी. पाथ फाइंडर जो मैं बता चुका हूँ, वी शिशान वाली. हायर लेवल इंप्रूव्स अदर मैथमेटिक्स ओलंपियाड. एक अच्छी चीज तुम्हें बतानी थी, जस्ट वेट. आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट राइट नाउ बट ठीक है. और कैसे पढ़ना चाहिए वो बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना. तो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर 8th 9th 10th क्लास स्टूडेंट एंड इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर
clearing RMO, INMO. So I hope you know this. You have plenty of time. You have to utilize it very effectively. I would recommend, sir, padhaye uske baad har problem ko tackle karne ke liye enough time do. Baar baar socho, different angles se socho. Instantly mat dekho pe. Oh yes, JE and this is very much different. Like in JE, sometimes we recommend after some time ki 15 minutes se zyada, 10 minutes se zyada ek question ko nahi doge, nahi hoga to aage badho. Next, wapas attempt karo, fir doubt clear karo. But yeah, 10 minutes mein to kuch nahi hone wala achhe achhe problems mein. Sometimes you have to think for 1 hour. So yes, learn the art of it ki uske sath enjoy karo. Depth mein aaram se us question ko leo, socho. For category B students, so second year ke unke paas bhi itna time nahi hai because they are more into JE also. So I would recommend thoda time to aaram se bilkul leo. But not like 1 hour, tumhare paas itni luxury nahi. If you are not able to think for 15-20 minutes, ek din ke baad wapas thoda soch lena, otherwise doubt clear karna jaise bhi kar rahe ho. But I would recommend for category B, those students who will be with me, थोड़ा सा पढ़ना चालू करो नेक्स्ट वीक से हमारे लेक्चर. हाँ उसके बारे में भी बता देता हूँ. थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो इफ यू हैवंट. आई होप तुमने पहले भी स्टार्टिंग करी है. इस बार थोड़ा सा स्ट्रिंजेंटली ये सोच लेना कि शीट्स और इन सब के डिस्कशन भी हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो वो करोगे तब इस बैच में रहोगे. अदरवाइज मैं थोड़ा सा इस बार स्ट्रिक्टली सोचा हुआ कि उन बच्चों को ग्रुप से थोड़ा सा एज एन चैलेंज देने के लिए थोड़ा सा निकालेंगे. तो दैट जो बच्चे करेंगे उन्हीं को बिल्कुल पुश करेंगे आप. ओके So more or less, मैंने अपने हिसाब से सारी चीजें बता दी रिगार्डिंग क्लासेस. यू विल गेट अ मेल आई थिंक बाय टुमारो अबाउट द नेक्स्ट क्लासेस. द क्लासेस विल बी वन लेक्चर एवरी वीक. दिस टाइम एवरी वीक एक क्लास रहेगी अभी फॉर बोथ फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर बच्चे टिल IOQM. उसके बाद फिर हम RMO के हिसाब से क्लासेस ज्यादा भी करेंगे देखते हैं. तो अभी वन लेक्चर एवरी वीक रहेगा. उसमें सर एंड आपको बोलना अलाउड नहीं है. ओके चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. तो अब तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन स्टे. अदर्स अपन रेगुलर लेक्चर में पढ़ेंगे आज इतना ही. जिसको आप मुझसे कुछ बात करनी है कुछ पूछना है दे कैन स्टे और दे वांट टू लिसन यू कैन स्टे. हाँ कृदय सर कैन यू प्लीज जस्ट शो द स्लाइड विद ऑल द बुक्स फॉर अ सेकंड सो आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. दिवेज सर NACP का भी ऐसा क्लासेस होंगी क्या? बच्चे जितना मुझे नॉलेज है मैं दर नहीं ले रहा हूँ और मुझे इतना आइडिया नहीं है. CM सर से पूछो ही विल हैव मोर आइडिया अबाउट. ओके डिफरेंस दूसरे साइंस ओलंपियाड्स का भी CM सर बेटर बता पाएंगे. जानता है CM सर को? नहीं सर. ओके अदरवाइज एडमिन से पूछो एक मेल कर दो दे विल इन्फॉर्म यू. ओके साकेत सर डाउट क्लियरेंस के लिए हम डाउट सेशंस पे जाएं या फिर क्या करें? किसके ओलंपियाड्स के? हाँ ओलंपियाड्स के. हाँ ऑब्वियसली डाउट सेशन में बिल्कुल पूछ सकता है. बट उसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि आपस में एक दूसरे को क्लियर करोगे बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड ओलंपियाड के डाउट्स आर नॉट लाइक JE डाउट्स. तुम JE के डाउट सेशन में जाते हो सर को फटाफट कितने सारे डाउट्स लेने पड़ते हैं. यू अंडरस्टैंड? यस सर. तो तू ओलंपियाड के डाउट लेके जाएगा सर को इंस्टेंटली तो ना कि एक मिनट में क्लिक हो जाएगा. JE के क्वेश्चन क्लिक हो जाते हैं. RMO के क्वेश्चन एकदम से एक मिनट में किसी से नहीं होने वाले ना मुझसे होने वाले. तो इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा रोल उसमें कम है. डाउट्स बहुत ज्यादा आपको ही टैकल करने हैं. अदरवाइज देखो मुझे भेजने पड़ेंगे. मैं आराम से सोच के तुझे सॉल्यूशन भेजूंगा और फिर समझाना पड़ा तो समझाऊंगा. गॉट माय पॉइंट? बट उससे ज्यादा हम हमेशा इसलिए उसमें डिस्कशन ग्रुप बनाए जिसमें क्या तूने जो सवाल पूछा है वो दूसरा भी बच्चा हो सकता है ही में ही माइट हैव डन दैट तो ही विल गिव यू हिंट इन दैट डायरेक्शन. ओके ठीक है सर. ओके समझ गया. उसमें डाउट लेक्चर से ज्यादा डाउट ग्रुप ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड मी एज अ फैकल्टी इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू. Okay, sir, fine. Other than solutions. Vedant? Sir, अगर आपको contact करना है तो फिर कैसे कर सकते? Telegram ID भेजा ना बच्चे मैंने second slide में. Sorry, sir, मैंने देखा नहीं है. First slide या second slide में I sent Telegram ID. ये देख. Okay, sir. Thank you, sir.
एंड बी पेशेंट, मैं हो सकता है एक दिन तक अभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, जैसे अभी किसी बच्चों ने इतने सारा ने लिखा है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, है ना, तो यस सर, बी पेशेंट, है ना, इफ एनी टाइम यू कॉन्टेक्ट मी यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंट. ओके सर, थैंक यू. वेदांत Sir, on what day will be the lectures? जो आपको वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बच्चे ग्रुप पे, ओके, दैट इज नॉट फिक्स अभी, दे विल इन्फॉर्म यू, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड ईयर का अलग, दे विल इन्फॉर्म. नेक्स्ट, कहाँ गया बच्चा, जस्ट रुक. रौनक, Sir, I'm currently in 10th standard. I'm currently studying in SCOM. Is it fine to join level 2 if I've studied the basics? You have just started the SCOM, no? Yeah, I've just started, but I've studied the basics that you've mentioned here. So is it fine to If you join have level? studied the basic, if you have studied the PNC basics, algebra basics, you can be in second year. If you have not, I would recommend first year. Okay, thank you, Okay. sir. Sattvic. पीएनसी बेसिक्स किया है, एलजेब्रा भी मतलब थोड़ा बहुत आता है। अभी मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ और पिछले साल भी मेरा ये हुआ था लेकिन मैंने पूरा नहीं किया वो, तो ये वाला इस यू मतलब कैन बी ये इन जो सेकेंड बैचेस ईयर, में। यू कैन बी इन सेकेंड ईयर, ओके सर, थैंक यू सर। बट यू डिसाइड, अगर तुझे बाद में टफ लगे यू कैन अगेन शिफ्ट बैक टू फर्स्ट ईयर, है ना, यू डिसाइड ओके, वो लेटर अमंगस्ट. एडमिन से बोल के हो जाता है ना। ओके सर, यस, एनीबडी एल्स वांट टू आस्क? ओके उत्कर्ष, बहुत अच्छे नालायक. ऑल द क्लासेस विल बी ऑनलाइन ओनली आरएमओ की. यस रौनक, यू कैन बी इन सेकंड ईयर. नॉट इनफ, नो, नथिंग इज इनफ. बाकी रिकमेंडेशन मैंने बोल दिया था डोंगले, मैथमेटिकल सर्कल्स इज नॉट इनफ. यस नॉट इनफ, वो स्टार्टिंग है, टाइमिंग फिक्स नहीं. अवनीश नहीं, तनिष याद नहीं है, कौन से बैच में थे तू? ओरिएंटेशन में पढ़ाया था, अब 11th में आ गई तो टेंथ में आ गई, तू लास्ट, एसकॉम अच्छा में तूने था। तूने पहले भी एसकॉम में किया और अभी भी एसकॉम में, तो लास्ट ईयर 11th टू मार्च ईयर की की है, ना? लास्ट। हाँ हाँ, मतलब अब 12th में है, राइट, बट बहुत अच्छी बात है, हाँ तू 2 साल से कर रही है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्ची. तो यू विल बी इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर? पढ़ा हुआ है पूरा, तो आई थिंक आई शुड सेकंड बी ईयर, फाइन। यू शुड बी इन सेकंड ईयर. पर थोड़ा खेल कूद भी यार, थोड़ा खेलती ही नहीं खेलती है? सम प्ले थिंग्स, सम हॉबीज यू हैव? यस सर, ओके. चिन्मय बिल्कुल याद है तू तो. नहीं, सोहम कामले, आई डोंट रिमेम्बर यू, नो नालायक. हाँ आरुष बिल्कुल, नेल देम. यस मॉड्यूल हैज थ्योरी. रोहन वन जीरो टू, ओम रिजांश, इट्स अ इजी राइड. जितना जेई के लिए तपस्या करते हो ना, उसका तो 30% चाहिए होता है बस. यहाँ ओनली थिंग इज वी डोंट गिव इट टाइम, ऑनेस्टली. सिद्धार्थ ऑब्वियसली आई रिमेम्बर यू, बच्चे तो देखो, तो बस सीरियसली करवाएंगे इस बार. श्लोक कौन से क्लास में तू? 10th। अभी क्या करेगा इसका जान के, बाद में नेक्स्ट ईयर बात करेंगे. ओके सर, सांचली यस सर। लास्ट ईयर अटेंड किया था, यू कैन बी इन सेकेंड ईयर, इट डज नॉट मैटर बच्ची. लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ विच रीजन यू लैक सम मार्क्स, दैट्स नॉट अ कंसर्न एट ऑल. इफ यू आर एक्वेंटेड विद द टॉपिक्स यू कैन कंटिन्यू टू बी इन द सेकेंड ईयर बैच. ओके सर, नो आयु, इट इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर. ऑफ कोर्स आयुष, यस वेदांत,
चलो और कुछ पूछना है बच्चों? अदरवाइज 2 ढाई घंटे से मैं ही कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ। सर एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज क्या मिलता है? वो थोड़ा भूल गया मैं बेनिफिट्स के बारे में। कुछ बच्चे तो चले गए होंगे बट ठीक है, लेट मी टेल दैट। अब इसके बेनिफिट्स क्या है बच्चों को? हैव यू एवर थॉट कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आरएमओ आईक्यूएम ओलंपियाड्स? सर प्रोफाइल में ना पोर्टफोलियो में नाम आ जाता है। अच्छा डायरेक्ट बेनिफिट्स तो बोल ही रहा हूँ, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तूने जैसे बोला ऑब्वियसली यार कि एक आरएमओ सर्टिफाइड अगर तुम लिखोगे भी ह्यूज रिस्पेक्ट इन द है ना आवर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ह्यूज रिस्पेक्ट। आरएमओ लिख दिया तो बहुत ही अच्छा है। आईओक्यूएम भी एक रिस्पेक्ट होता है, लाइक इफ आई एवर सी ए स्टूडेंट आईओक्यूएम उसने क्लियर है, अब वो कुछ भी बोले मैंने अगर वो सुन लिया तो एक अलग ही रिस्पेक्ट उसके लिए बढ़ जाता है कि हाँ ये बच्चा ठीक ही होगा, सोचने वाला होगा, कम से कम हार्ड वर्किंग होगा। तो आरएमओ क्लियर किया है तो अलग ही इनडायरेक्ट बेनिफिट है। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तुम्हारा आईआईटी के रैंक पीछे आई बट इफ यू राइट इनमो क्लियर आरएमओ क्लियर अपने आप ही इनडायरेक्ट मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट बेनिफिट ह्यूज है। जेई में इसकी नॉलेज इट विल बूस्ट योर परफॉर्मेंस बाय 20% ऑनेस्ट प्रॉमिस। 20% कितने ही जगह ये काम आता है, एप्टीट्यूड बढ़ जाता है 20%, तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली भी हेल्प करता है 30% और कि तुम्हारा एप्टीट्यूड बढ़ जाता है 20%, तो डायरेक्टली उस सेंस में बोल रहा हूँ कि द टॉपिक्स विच आर इन जेई उसके क्वेश्चन शॉर्ट हो जाते हैं, और इनडायरेक्ट क्या कि एप्टीट्यूड बढ़ता है, तो यस इट लिफ्ट्स योर परफॉर्मेंस इन जेई ऑल्सो ऑब्वियसली रिचे। और क्या जो वे हु लव मैथ ना उनको तो इतना पसंद आएगा कि हाँ मजा ही आ जाएगा। और क्या है अगर इनमो क्लियर हो गया चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया, चांस जो कैंप में अटेंड करते हो कभी कभार इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, तो अलाइक माइंडेड पीपल से इंटरेक्ट करते हो तो एक अलग से क्या वो बनता है कोर कनेक्शन बनता है। फिर वेन एवर दो स्टूडेंट्स गो समवेयर एल्स ऑल्सो दो फैकल्टीज गो समवेयर एल्स ऑल्सो वो कॉन्टेक्ट बहुत काम आते हैं लेटर ऑन लाइफ में, तुम समझोगे ये सब बेनिफिट्स बहुत काम आते हैं। फिर इट इम्प्रूव्स योर थिंकिंग फॉर एनी वेयर, जो जेई में भी है वो तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स कि वो अपनी थिंकिंग को बहुत इम्प्रूव करता है। एक और इनडायरेक्ट बेनिफिट कि यस इट इट मेक्स यू लर्न हाउ टू टैकल वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी एकदम से गिव अप करने का एटीट्यूड जो होता है ना वो छोड़ देते हैं, फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम कैसे टैकल करना है जो लाइफ में बहुत जरूरी होती है, तो मानो नहीं मानो बाद में सीखोगे कि कितनी बार ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हम पैनिक करते हैं ये कैसे होगा, बट ये सब ये सिखाता है कि यस यू कैन बी रिमेन काम। अभी पता लगा कि आरएमओ का ये क्वेश्चन देखा इनमो का 6 मार्क्स ये 6 क्वेश्चंस ओनली ऐसा क्वेश्चन देखा, ये तो दूर दूर तक हिंट भी नहीं मिल रही है ये क्या है, बट अगर वो धीरे धीरे उसके लिए बिल्डअप करोगे सीखोगे और फिर वो क्वेश्चन होंगे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ता है लाइफ में। बट हम सबको तो क्या सुनना है डायरेक्ट बेनिफिट्स है ना, आया ना नारायको डायरेक्ट क्या है ये सब सर उपदेशबाजी बहुत कम करो, डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है इस स्टेज में इस लाइफ में ऐसे ही होते हो तुम। आईआईटी बॉम्बे में एक कोर्स का नाम है याद नहीं है शायद बीएस मैथ बोलते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं, डायरेक्टली वो रैंक जो जेई में 1600 रैंक में मिलती है उसमें डायरेक्टली अगर तुम इनमो क्लियर हो दे डायरेक्टली गिव यू सीट। गुड बेनिफिट सोचो सर, तो जेई नहीं देना पड़ेगा, तो जेई नहीं बीटेक नहीं बोल रहा हूँ मैं, बीएस मैथ है बीटेक नहीं बट यस वो एक बार प्योर मैथ के साइड पे डायरेक्ट हो जाता है अगर इनमो क्लियर हो तो। आईआईटी गांधीनगर उसमें भी एक आध सीट है, एक आध कोई ब्रांच है मेरे को याद नहीं है, बट वो डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं अगर इनमो क्लियर हो। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट सर आईएसआई, सॉरी सर आईएसआई में भी मिल जाएगा। हाँ आईएसआई तो मैं बोल ही रहा हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं अलग से ले रहा हूँ उस पॉइंट को, तो इज्जतदार है यार वो तो सबसे ज्यादा, यू नो अबाउट दैट और नॉट? सॉरी सर वही पूछना, मतलब आईएसआई की इम्पोर्टेंस पता है तुझे? आईएसआई की इम्पोर्टेंस सर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट उसका, तो आईएसआई बैंगलोर इतना रिप्यूटेड कॉलेज है कि इसको तुम तो ऐसे मान सकते हो आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे ऐसे ही उनके कट ऑफ क्लियर होते हैं मतलब मैथमेटिकल का बिल्कुल है ना, तो इनमें डायरेक्टली इनमो के थ्रू एडमिशन हो सकता है, आईआईएससी में तो डायरेक्टली नहीं होता है बट इनमें डायरेक्टली एडमिशन होता है। इवन ट्रिपल आईटी इलाहाबाद सॉरी हैदराबाद आई थिंक ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी डायरेक्टली इनके थ्रू कुछ सीट्स है, वो कौन सी ब्रांच है इतना रफली आइडिया नहीं है मुझे
बट इनमें डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं इफ यू आर इनमो क्लियर्ड या कभी कर आरएमओ क्लियर्ड, किसी में आरएमओ का भी है किसी में इनमो का ज्यादा है। आईओक्यूएम ऑब्वियसली डायरेक्टली डजंट गिव यू द डायरेक्ट बेनिफिट, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट ही देगा। आईएसआई कितने ही बच्चों का ड्रीम होता है कि आईएसआई में जाना, और काफी रेप्यूटेड है, डायरेक्टली आरएमओ इनमो के थ्रू एडमिशन मिलते हैं। क्लियर? यस यस एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? डेट विल बी लेक्चर स्टार्ट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, आई थिंक ट्यूसडे या वेनेसडे से है। ओके सर। एनीबडी? साकेत सर ये आईआईएससी में हेल्प करेगा? उसके सिलेबस में हेल्प करेगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। मानसी? सर आई जस्ट वेंट टू एट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हाउ विल एट ग्रेडर्स कम्पीट विद 11th ग्रेडर्स कि सेम ही पेपर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम्स आर लाइक दैट ना बच्ची, इट इज नॉट रिलेटेड टू कि उतना एप्टीट्यूड का बिल्डअप इतना जाके एग्जाम्स आर लाइक दैट। एंड यस 8th क्लास के बच्चे लॉट ऑफ इफ दे हैव द एप्टीट्यूड फॉर इट एंड इफ दे प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू कंपीट विद 11th क्लास। 11th क्लास के लिए भी सिलेबस ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, बट यस सम स्टूडेंट्स आर देयर हु आर इन 11th बट दे माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर 2 और 3 इयर्स, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। बट इट्स नॉट लाइक दिस कि यू आर इन 8th क्लास एंड योर एप्टीट्यूड मे नॉट बी ऑफ दैट लेवल कि वो 11th क्लास के साथ वो हैंडल कर सकती है, नहीं ऐसा है ही नहीं। दीस सम्स आर लाइक दैट व्हिच आर ब्रांड न्यू थिंकिंग व्हिच एन इनोवेटिव माइंड इफ He or she has developed that aptitude, वो आराम से इसको कर सकता है। While क्या JEE की studies ऐसे होती है, वो logical thinking होती है, ये step, calculations, ये वो, तो उसके लिए aptitude चाहिए होता है 11th, 12th class का, इनके लिए नहीं चाहिए। Thank you, sir. Okay, everyone. Anything else? Satvik? सर इसमें मतलब आयो के एम और बाकी उसमें एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। यू कैन से लाइक दैट। ओके सर। बच्चे कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा दे रहे के लिए लेक्चर है बच्चे कि आईएसआई क्या होता है क्या है वो सब, तो आप पढ़ो, मैं तो बस बता दिया उसमें बेनिफिट्स ना, देन इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट प्लीज रीड। यस राघव क्या बोल रहे हैं? यस बिल्कुल कर सकता है राघव, 1 ईयर प्रिपरेशन बहुत है, बिल्कुल कर सकता है। बट अगर तूने वो टॉपिक्स के बेसिक्स इफ यू आर नॉट क्लियर व्हिच यू डिड इन एसकॉम एंड व्हिच आई सेड इन द इनिशियल पार्ट अलजेब्रा एंड कॉम्बिनेटरिक्स, देन यू शुड बी इन फर्स्ट ईयर ओनली। यस ओके। देन यू कैन बी इन सेकंड ईयर, यू कैन बी इन सेकंड ईयर। Anybody else? No, sir. चलो नेक्स्ट वीक लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बाय सर, बाय बाय, हैव अ गुड डे सर, गुड डे एवरीवन। के बारे में क्वेश्चन था पूछो तो मतलब कोर्सेज। हाँ बोल यार बच्चे बोल। वो जो आपने ऊपर वो कोर्स लिखा था बीएस मैथ वाला, उससे अगर उसके बेस पे हम आगे प्योर साइंस में जा सकते हैं मतलब फिजिक्स है ऐसे कुछ तो बीएस मैथ से? हाँ उसके थ्रू मतलब बीएस मैथ के बाद एमएस जो करने जाऊंगा हाँ मतलब। हाँ कर सकता है, इसमें कुछ नहीं है। मुझे कितने ही बच्चे होते हैं जैसे केमिकल इंजीनियरिंग किया बट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में कर लेते हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें। बट यस उसके कुछ प्री रिक्विजिट करने पड़ते हैं दैट यू आर गोइंग टू मैनेज विथ योर मेजर डिग्री। मेजर डिग्री के साथ बहुत सारे आईआईटीज के माइनर डिग्री देते हैं, तो वी डू सम थिंग्स इन माइनर डिग्री और देन वी टेक केयर कि पोस्ट ग्रेजुएशन में वो कर लें, हो जाता है। ओके यस सर, यस सर, थैंक यू।
ओके एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय 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 सर. बाय सर. बाय बाय.